स्वागत करती हूँ। मैं प्रभु यीशु के नाम में मसीह से स्वागत करते हैं। प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ। देवसेना का धन्यवाद। आज तीसरे दिन भी प्रभु उपवास करने के लिए लाया कि आज तीसरे दिन भी मंदिर उपवास करने का तक घूमना ना पड़ेगी। और इर्मिया अध्याय 32 वर्स 27 इर्मिया अध्याय 32 से 27 इर्मिया अध्याय 32 इर्मिया अध्याय 32 उसका वचन 27 ऐसे वचन 27 मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? मी यहोवा आखिर मानव जाति का देव आहे, मला कोणती गोष्ट करणे अवघड आहे का? हाँ, हम आंखों को बंद करें। बोल बंद करो। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा मेरे मान को युद्ध सेनाधीश पिता, वचन की सेवा को आपके हाथ में देती हूँ। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो कुछ हम सुनते हैं वही हम पालन करने के लिए मदद करना, दया रखना, सब कुछ आपके हाथ में दे प्रभु यीशु के नाम से। यहाँ पर प्रभु हमसे कहता है, इतने मैं तो सारे मनुष्य जातियों का, सारे प्राणियों का, सारी सृष्टि का कर्ता परमेश्वर यहोवा आहे। सर्व मानव जाति का, प्राणियों का, सृष्टि करता देव आहे। तो मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं आणि माझ्यासाठी कोणतं काम कठिन आहे? परमेश्वर काम करता है। यहाँ क्या कहता है वो, मेरे लिए कोई काम माझ्यासाठी कोणतं काम, तो इसका मतलब है परमेश्वर काम करता है। ऐसा अर्थ आहे की देव काम करतो। तो परमेश्वर क्या काम करता है, देव काय काम करतो, हम पढ़ेंगे उस वचन को आणि आपण वाचूया त्या वचनाला। यमुना दे यीशु मसीह ने बहुत सुंदर रीति से उस वचन को कहा है, मतलब कहा है कि हमारा पिता क्या काम करता है, अरे आपका पिता क्या काम करता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यमुना अध्याय 5 यमुना 5 और उसका 17 तो 17 उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। आगे चलते हैं फुर्त वचन यमुना अध्याय 5 यमुना 5 और उसका 17 आगे का 17 यीशु ने त्यांना म्हटले, यीशु ने कहा माझा स्वर्गीय पिता, मेरा स्वर्गीय परमेश्वर, मेरा स्वर्गीय पिता सतत चांगले काम करत असतो। सतत चांगले काम यानी वो क्या काम करता है, अच्छा काम। परमेश्वर देव जो हमसे कहता है, जो आपल्याला म्हणतो, क्या कहता है, काय म्हणतो, मैं काम करता हूँ, मी काम करतो, जो काम मैं करता हूँ मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं, आणि माझ्यासाठी कोणतं काम कठिन नाही। फिर कौन सा काम परमेश्वर करता है आणि कोणतं काम देव करतो, उसके बारे में यीशु मसीह उसका पुत्र क्या कहता है हमसे। येशु ने तो पुत्र काय म्हणतो आपल्याला, दुसरे वचन सुनो, येशु ने त्यांना म्हटले, येशु ने कहा माझा स्वर्गीय पिता, मेरा स्वर्गीय पिता सतत चांगले कार्य करत असतो, हमेशा सतत नॉन स्टॉप, ऐसा आज किया कल नहीं परसों किया नरसों नहीं ऐसा नहीं, हमेशा सतत यानी हमेशा अच्छे काम करता है। क्या काम करता है, अच्छे चांगले काम। हमारा परमेश्वर अच्छा है इसलिए वो अच्छा ही काम करता है, आपका जो चांगला है वो तो चांगले काम करता है। इसीलिए प्रियो ये जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाई वो अच्छी बनाई है, जी सृष्टि देवा ने बनाई थी चांगले बनोगी है, भले मनुष्य को अच्छी लगे नहीं लगे, भले मानसा की आवड़ो ना आवड़ो, लेकिन परमेश्वर ने बनाई हुई हर एक सृष्टि अच्छी है, देवा ने बनाई प्रत्येक सृष्टि चांगली है। 6 दिन तक परमेश्वर ने ऐसा ही कहा आणि 6 दिवस देव असंच म्हणाला, जसे पहिले दिन उसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, जसं पहिल्या दिवशी त्याने आकाश आणि पृथ्वीची निर्मिती केली, उसने कहा अच्छा है, तो म्हणाला चांगला आहे, जो उजियाला बनाया, जो उजेड बनवला, अंधेरे को अलग किया आणि अंधाराला वेगळं केलं, आकाश में ज्योतिया बनाई आणि आकाशात ज्योती बनवली, हा अच्छा है, आणि तो म्हणाला चांगला आहे, जमीन वर उसने पेड़ पौधे उगाए, जमिनीवरती त्याने झाडं झुडपं उगवली, और पाणी में मछलियां उगाए बनाई, आणि पाण्यामध्ये त्याने मासे बनवले, उसने कहा अच्छा है, आणि तो म्हणाला चांगला आहे। पृथ्वी पर हर एक वस्तु उसने देखा सब अच्छा है, आणि पृथ्वीवर प्रत्येक गोष्ट त्याने पाहिले मला चांगला आहे। 6 दिन जब उसने मानव को बनाया आणि 7 दिवशी जेव्हा माणसाला बनवलं, कहा बहुत ही अच्छा, आणि तो म्हणाला की खूपच चांगलं, सृष्टि परमेश्वर ने अच्छी बनाई क्योंकि परमेश्वर अच्छा है, आणि सृष्टि देवाने चांगली बनवली कारण देव चांगला आहे। परमेश्वर ने मानव को अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया यानी परमेश्वर बहुत अच्छा है, आणि देवाने माणसाला खूप चांगलं बनवलं म्हणजे देव खूप चांगला आहे, सब मानव बहुत अच्छे, आणि म्हणून सर्व माणसं खूप चांगली आहे, कहा देखा गया ना मनुष्य बहुत अच्छे, आणि पाहण्यात आलं तर माणसं खूप चांगली प्रियो जो कोई बुरा मनुष्य परमेश्वर के पास फिर आता है, वापस लौट आता है, जो कोई वाईट मनुष्य देवाकडे परत फिरतो, परमेश्वर वापस उसे अच्छा बनाता है, चांगला करतो, इतना सामर्थ हमारे परमेश्वर में, आणि इतकं सामर्थ आपल्या देवामध्ये आहे। परमेश्वर क्या करता है, देव काय करतो, मनुष्य मर गया, आणि जो माणूस मेला बुराई में है, वाईटात आहे, दुष्टता में है, दुष्टतेमध्ये आहे, संसार के
गंदे कामों में जकड़ा हुआ है, जगह तो गंद कामों में जकड़ लेना है, उनके साथ भलाई कर सकता है, उनको वापस खड़ा कर सकता है, उन्हें वापस बना सकता है, अन्य जो सब सांगल बना कर नन्ना पुनः बोर करो शब्दों जो यीशु मसीह प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु मंडल कि हमारा पिता हमेशा अच्छे काम करता है, माता पिता सतत चांगल काम करते, कौन से अच्छे काम है, अभी कौन सी चांगली काम है, आगे पढ़ेगा आणि मी त्याचे अनुकरण करत आहे. हा और यीशू कहते हैं मैं भी उसका ही अनुकरण करता हूँ, मैं भी क्या करता हूँ, मी काय करतो, अच्छा काम करतो, चांगलं काम करतो, सही बात है. कधी दुसरा कोई एक मनुष्य खड़ा होकर बोल सकता है कि यीशू ने बुरा ये बुरा काम किया है, असं कोण माणूस बोलू शकतो का यीशू ने वाईट काम केलं, अच्छा काम किया, यीशू ने जो कुछ किया अच्छा, यीशू ने जे काही केलं चांगलं केलं, अच्छा किया चांगलं केलं. मनुष्य के जीवन में यीशू के पास आने के बाद जो बुरा हुआ है उनके पापों के कारण, आणि माणसं जेव्हा यीशू कडे येतात त्यांच्या जीवनात जे काही वाईट होते त्यांच्या पापामुळे, उनकी बुराई के कारण, त्यांच्या वाईटामुळे, के अधर्म के कारण, त्यांच्या अधर्मांमुळे, उन्होंने जो बोया है उसके कारण, आणि त्यांनी जे पेरले त्याच्यामुळे, इसीलिए प्रभु यीशू किसी का बुरा नहीं करता, आणि म्हणून प्रभु यीशू कोणाचं वाईट नाही करत, कभी किसी का बुरा नहीं, आणि कधी कोणाचं वाईट नाही करत, हमेशा याद हे नेहमी लक्षात ठेव. जितने हम प्रभु के आधीन रहते, जितना हम प्रभु के करीब जाते, मनुष्य अच्छा बनता है, आणि जितका आपण देवाच्या जवळ जातो तेवढा माणूस चांगला बनतो, प्रभु के करीब जाकर भी अगर कोई मनुष्य बुरा है, आणि देवाच्या जवळ जाऊन पण जर कोण माणूस वाईट आहे, इसका अर्थ है वो प्रभु के करीब नहीं, आणि शैतान के करीब है, आणि याचा अर्थ की तो प्रभूच्या जवळ नाही परंतु शैतानाच्या जवळ आहे. अगर अभी भी वो प्रभु के राज्य में आकर हालेलुया प्रभु की स्तुति बपतिस्मा लेने के बावजूद भी वो बुरा काम करता है, आणि हालेलुया प्रभु की स्तुति बपतिस्मा घेऊन सुद्धा तो वाईट काम करतो, वो प्रभु के करीब नहीं है, तो देवाच्या जवळ नाही परंतु वो क्या है, शैतान के करीब है, पण तो शैतानाच्या जवळ आहे, वो शैतान के करीब है और इसीलिए वो बुरा काम करता है, आणि तो शैतानाच्या जवळ आहे म्हणून तो वाईट काम करतो. वैदिक शास्त्र में स्पष्ट रीति से 8वें अध्याय में लिखा है शैतान बुरा है, आरंभ से वो हत्यारा है, झूठा है, वो बुरा है, आणि तो शैतान आहे तो वाईट आहे, वो बुरा है, तो वाईटच आहे, इसलिए उसमें कोई भलाई नहीं, पण त्याचं काही चांगलं पण नाही. मसीह के पास आने वाले लोग जो बुरा करते हैं, आणि ख्रिस्ताकडे येणारे जे वाईट करतात, वो लोग परमेश्वर के करीब नहीं है, आणि देवाच्या जवळ नाही है, परंतु वो शैतान के करीब, परंतु ते शैतानाच्या जवळ आहे. प्रभु ने कहा, म्हणून प्रभु म्हणाला, मी क्या कहा, तुम उन फलों को देखकर जानोगे कि कोण सच्चे है, आणि तुम्ही त्या फळांना पाहून ओळखाल की कोण खरे आहे, कोण मसीह है, कोण ख्रिस्ती आहे, उनके फलों को देखकर, त्यांच्या फळांना पाहून, क्योंकि मेरे पास आकर, आणि माझ्याकडे येऊन कोई तुरंत जल्दी से बुराई काम नहीं करेगा, लगेचच कोणी वाईट काम नाही करेगा, मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेगा, आणि माझ्या विरुद्ध नाही बोलणार. येशू ने कहा, येशू म्हणाला, जो मुझ पर विश्वास करता है, आणि जो माझ्यावर विश्वास करतो, तुरंत मेरे बारे में तुरंत बुरा नहीं बोलेगा, तुरंत मेरे लिए बुरे काम नहीं करेगा, आणि लगेच माझ्यासाठी वाईट काम नाही करणार, तो फिर इसका मतलब कोण है जो येशू उसके पास आकर भी उसने बुरा काम कर रहा है, येशू की निंदा कर रहा है या येशू पे दोष लगा रहा है, वो कौन है जो शैतान के करीब है, शैतान के राज्य का है, और यीशु जी निंदा करते दोषारोपण करते, हाँ कौन है जो शैतान के जवळ है, मालूम हुआ. इसीलिए प्रियो प्रभु यीशु के करीब आने वाला चेंज हो जाता है, और प्रभु यीशु से जवळ येणारा बदलतो. पत्रस जैसे येशू के करीब आया, आणि पेत्र जसे येशूच्या जवळ आला, तो उसके पापों का एहसास हुआ, त्याला त्याच्या पापांची जाणीव झाली, उसने कहा प्रभु जी मुझसे दूर हो जाइए, आणि प्रभु जी माझ्यापासून दूर व्हा, मैं पापी हूं, मी पापी आहे. प्रभु येशू ने उसे क्या कहा, प्रभु येशू त्याला काय म्हणाला, आज से तू मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा, आणि आजपासून तो माणसाला पकडणारा बनेगा. उसके जीवन में जो पाप थे, त्याच्या जीवनाचे पाप होते, पत्रस ने नहीं किए, आणि नंतर पेत्रने ते नाही केले, उसे एक ही बड़ी गलती हुई, आणि फक्त एकच मोठी चूक झाली, की उसने येशू को नकारा, की त्याने येशूचा नकार, वो भी प्रभु ने उसमें से उसको बाहर निकाला, आणि ते पण प्रभु ने त्याच्यातून त्याला बाहेर काढला. येशू के करीब वो आया, जब तो येशू जब आया, उसने येशू ने उससे पूछा, और येशू ने विचारा, क्या तू मुझसे प्यार करता है, तू मेरा प्रेम करतो, हां प्रभु जी मैं प्यार करता हूं, तो म्हणाला हां प्रभु जी मैं प्रेम करतो, कहा तू इन सबसे बढ़कर प्यार करता है, ये सगळ्यांपेक्षा अधिक प्रेम करतो, हां प्रभु जी मैं इन सबसे बढ़कर प्यार करता, हां प्रभु ये सर्वांपेक्षा अधिक प्रेम करतो, मतलब इसे तीन बार मुझसे पूछा, और ऐसा तीन वेळा त्याला विचारला, को समझा पड़ा क्यों, ताकि इसलिए पूछा, क्योंकि उसी मुंह से उसने पाप किया था, और यह सर विचारला कारण त्या तोंडाने पाप केले, उसी मुंह से उसने कन्फेशन करवाया, आणि म्हणून त्याच्या तोंडून त्याने कबुलीकरण करून घेतलं. पत्रस कभी भी येशू को इनकार नहीं किया, आणि पेत्राने कधीही येशूचा नकार नाही केला, तो समजा कळलं, इसीलिए प्रियो हमेशा याद रख, आणि म्हणून नेहमी लक्षात ठेव, करीब आने के बाद प्रभूच्या जवळ आल्यावर मनुष्य चेंज हो जाता है, माणूस बदलतो, बदल जाता, बदलून जातो. मोसेस परमेश्वर के करीब आया, आणि मोशे देवाच्या जवळ आला, इसलिए हुआ क्या, कोण झालं नाही, तो बदल गया, तो बदलला, उसके मुख से परमेश्वर का तेज निकल रहा है, ऐसा मुखर देवा तो तेज निकल रहा, उसका शरीर बदल गया, तो सोचो उसका अंदर का भाग कितना बदल रहा है, जैसे शरीर बदल रहा है, विचार करें कि आगे भाग कितनी बदल रहा है, है ना,
शरीर बदल गया, शरीर बदल गया, शरीर से परमेश्वर का तेज निकल रहा है, शरीर का तो देवाचा तेज निकल होता है, अंदर भाग कितना बदला, आंतरिक भाग कितनी बदल गया, अंदर के भागों से वो बदल गया है, आंतरिक भागों ने तो बदलेला है, कैसे मालूम पड़ा, कैसे पड़ा, जब जब इसराइलियों ने उसके अगेंस्ट उठे, उसके अगेंस्ट बलवा किया, उसके अगेंस्ट बात किया, हमेशा परमेश्वर ने उसे कहा तू मेरे सामने से दूर हट, आदि देव त्याला म्हणाला माझ्या बाजूने दूर हो, मैं इन सबको नाश कर, आदि मी ह्या सगळ्यांचा नाश, मैं इन सबका नाम जीवन की पुस्तक से मिटा देता, आदि माझ्या पुस्तकातून यांचं नाव मी काढून टाकतो, सिर्फ तेरे नाम से मैं क्या करूंगा, नई जाति बनाऊंगा, तुझ्यापासून मी नवी जाती उत्पन्न, उसने कहा मेरा नाम कट कर, आणि तो म्हणाला माझं नाव कापून, जीवन की पुस्तक में से मेरा नाम कॅन्सल कर, आणि जीवनाच्या पुस्तकातून माझं नाव कापून टाक, मी उनका नाम नहीं काढ, त्यांचं नाव नको कापून, अगर तुम्ही काढ दिया, अगर तू कापलंस, उनको मार दिया ना मारलंस, तो लोग क्या सोचेंगे, लोक काय विचार करतील, लोक काय सोचेंगे, दुसरे लोक काय विचार, परमेश्वर इनको पहुंचा नहीं ले पाया, आणि ह्याच्या देवाने पोहोचू नाही शकला, इसीलिए इनको मार डाला, आणि म्हणून यांना मारून टाकलं, मनुष्य की बुराई नहीं दिखती, माणसाचं वाईट नाही दिसत, परमेश्वर जो शिक्षा देता है वो शिक्षा दिखता है, देव जी शिक्षा देतो ती शिक्षा, परमेश्वर ने शिक्षा क्यों किया, देवाने शिक्षा का की, जे लोग सोचते आणि लोक विचार करतात, लोकांनी पाप किया, लोकांनी पाप केलं, लोकांनी परमेश्वर के विरुद्ध कुरकुरा, आणि लोकांनी देवाच्या विरुद्ध कुरकुर, लोकांनी परमेश्वर की निंदा की, आणि लोकांनी देवाची निंदा, परमेश्वर की जहां उपस्थिती वहां व्यभिचार किया, आणि जिथे देवाची उपस्थिती तिथे व्यभिचार केला, परमेश्वर की उपस्थिती वहां मूर्ति पूजा केली, आणि जिथे देवाची उपस्थिती तिथे मूर्ति पूजा केली, तो फिर परमेश्वर क्रोध नहीं करेगा, देव नहीं रागवणार का, इसलिए परमेश्वर मार रहा था, म्हणून देव मारत होता, लेकिन लोग क्या बोलते, मोसेस ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, आणि मोशेने खूप सुंदर उत्तर दिले, बहुत अच्छा लगा, मला खूप आवडलं, की लोक क्या बोलेंगे, लोक काय म्हणतील, इतका परमेश्वर त्यांचा देव आगे लेके नाही जा पाया, पुढे नाही घेऊन जाऊ शकले, मारला, आणि म्हणूनच मार, जबकि ऐसा बोलना चाहिए ना, पाहिजे, इतका परमेश्वर बहुत अच्छा आहे, आणि त्यांचा देव खूप चांगला आहे, लोक परमेश्वर की कदर नाही कर पाए, हे लोक देवाची कदर नाही करू, किंमत नाही कर पाए, किंमत नाही करू, विश्वास नाही रख पाए, विश्वास नाही ठेवू शकले, आणि म्हणून हे नाही, ऐसा बोलना चाहिए, असं बोलायला पाहिजे ना, ऐसा नाही बोल, पण असं नाही, आज संसार में भी लोक असे बोल, आणि आज जगात लोक असेच म्हणतात, ना तुम लोग प्रार्थना करते ना, आणि एकदा तुम्ही प्रार्थना, तुम लोग के जीवन में ऐसा क्यों है, आणि मग तुमच्या जीवनात असं का, तुम लोग येशू बोलते हो ना, येशू बोलते ऐसा क्यों है, मग असं ऐसा बोलते लोक, असं बोलतात लोक, आपको समझा, शैतान है ना दुष्ट है, वो हमेशा उसकी इच्छा क्या रहती है कि परमेश्वर पर कैसे भी किसी ना रीति से दोष लगाया जाए, कैसे ही करूं देवों के दोषों पर केला जाए, मैं आपको बताती हूँ, मी तुम्हाला सांगतो, मनुष्य के दोष कभी भी परमेश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते, आणि माणसाने झालेला दोष कधी देवाला दोषी नाही ठरवू शकत, उसी के ऊपर आता है, आणि त्याच्यावरती सारा ना करके थुकेंगे तो मे नहीं मुपे आए, आणि जर सर परमेश्वर थुकले तर ते माझे सोनं, जो मनुष्य परमेश्वर को कोसते है, परमेश्वर के अगेंस्ट बोलते, वो निंदा उन्हीं के ऊपर आ पड़ती है, आणि जे देवाला कोसते निंदा करतात त्यांच्यावरती येऊन पडते, बी केअरफुल रहना, आणि म्हणून खूप काळजीपूर्वक राहणं, हो ख्याल, आणि खूप काळजीपूर्वक हे ज्ञान उनको आला, आणि हे ज्ञान आपल्याला आलं पाहिजे, अगर किसी ने आपको ऐसा कभी बोल भी दिया, अगर कोणी तुम्हाला कधी असं बोललं की अरे ये बहुत प्रार्थना के लिए जाता था, अरे खूप प्रार्थनेला जायचा, आणि इनके घर में ऐसा हो गया, असं करत असं झालं, इनका येशू इनको बचा नहीं पाया, असं येशू यांना वाचवू नाही शकले, तर जरूर इनकी गलती होगी, आणि नक्की इनची चूक असणार, परमेश्वर तो बहुत अच्छा आहे, आणि देव तर खूप, आप इस रीती से बोलना, आणि तुम्ही अशा प्रकारे चूक नाही बैठणार, आणि तुम्ही असं गप्प बघू नका, हां अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा करके चुप नहीं बैठा, बोलना नहीं, मेरा परमेश्वर जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हो तो बहुत अच्छा है, विश्वास परमेश्वर दयालु है, दयालु है, वो शिक्षा भी करता, शिक्षा ही करता, वो पकड़ता है तो पकड़ लो, छोड़ता तो छोड़ दो ही, शायद इन्होंने कुछ ऐसे काम किए, शायद कहीं ऐसी काम आपको मालूम नहीं हो, तुम्हारा माहित नसते, शैतान को मालूम हो, शैताना माहित असते, शैतान ने मारा, शैतान ने मारा, जीवन में ऐसा हुआ, आणि म्हणते जीवन असं झालं, तुम्ही तुम्हाला परमेश्वर क्यों नाही बचाया, तो तुमच्या देवाने का नाही वाचवलं, अरे परमेश्वर को पुकारता था ना, तुमच्या देवाला आरोळी मारत होता ना, उसने उस समय पुकारना चाहिए, त्यावेळेस त्याने आरोळी मारायला हवी, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि लास्ट स्टेज पे मरने वाले डाकू ने पुकारा तो येशू ने बचा लिया, आणि शेवटच्या क्षणाला असलेल्या डाकू ने आरोळी मारली तर येशू ने वाचवलं, ये लोग भी अगर पुकारते तो ये लोग नहीं बचते, आणि जर यांनी आरोळी मारली असते तर ते नसते वाचले, इन्होंने पुकारा नहीं, आणि यांनी आरोळी मारली नाही, पवित्र शास्त्र में लिखा है तुम मुझे पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा, आणि पवित्र शास्त्रामध्ये दिले परमेश्वर की अच्छाई के लिए खड़े हैं, या प्रकार आपण देवाच्या सांगून बनता उभा राहणार, कभी कभी किसी गाँव में जाने के बाद कोई कोई लोग बोलता है अरे हाँ येशूला माणूस होता हा वेडा झाला, येशूला मानून मानून वेडा झाला, मैं आपको बोलती हूँ ऐसे लोग ऐसे उत्तर बोलेंगे, लेकिन आपको बोलना चाहिए तो वेडा कशामुळे झाला,
संसारिक ज्ञान और संसार में फंसने के कारण। मैं आपको बताती हूँ, जब कोई यीशु मसीह में आने के बाद जादू टोना करेगा तो वो व्यक्ति पागल होता है। आने जब कोई यीशु जादू टोना करता तो व्यक्ति पागल होता है। कभी भी मसीह एक बार यीशु के पास आने के बाद, भक्तों के पास, जादू टोना वालों के पास जाओगे तो जरूर वो आपको पागल बना देगा। नाम किसकी बुराई होती है, निंदा किसकी होती है, बुराई किसके ऊपर लगाया जाता है, परमेश्वर पर, देव और दयालु दादा। मालूम हुआ, इसलिए कभी भी है ना मसीह को एक बार पकड़ने के बाद, इसलिए प्रभु ने कहा एक बार हाथ हल पे रखने के बाद कभी भी पीछे नहीं मुड़ना। अरे कहीं अंग्रह हाथ ठेला तो मत मांगे नहीं बोले से ख्याल करो, काळजी घ्या। इसलिए कभी भी जाना होना इस शक्ति का सहारा नहीं, कभी जाना होना शक्ति का सहारा घेऊन जाना, सुनने को भी नहीं जाना, अरे ऐकायला पण जाऊ नका। भगत ऐसा बोला, भगत ऐसा बोला, ये आई बाबी है, ये बाबा ऐसा बोला, अरे हाँ मानो सर भाई ऐसे ये पानी के बदन में भूत आया, देवी आई तो ऐसी बोली, अरे यहाँ भाई चाहते देवी ऐसी सुनना भी नहीं, आई कहीं सो बंद है, इसमें हमारा कोई रिश्ता नहीं, उसके बाद हम सुनना भी नहीं, जैसे आप लोग कहीं नाता नहीं उसका हमेशा याद रखना, उन्होंने नहीं भी लक्षण ठेवा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु अच्छा है, प्रियो देव चांगला है, आप बोलो हमेशा सदा का अच्छा है, ऐसा बोलो सब लोग, सदा का अच्छा है, बोलो सदा का अच्छा है। आपको भी मैं बीच बीच में बोलेगी फिर आप लोग को नींद नहीं आएगी, वो अच्छा है। तो बीच बीच में जब बोलूंगी ना प्रभु बहुत अच्छा है तो आप बोलना चाहिए सदा के लिए अच्छा है, सदा के लिए अच्छा है, ठीक है ऐसा बोलने का। फिर आप जब बोलते हो तो नींद गायब हो जाएगी, बोलते जब सुख गायब हो। अभी देखो मैं बोलती हूँ इसलिए मुझे नींद नहीं आई, आने नहीं बोलते मन मेरा सुख नहीं आता, कैसा हो गया ना बोलते बोलते। कोई कोई लोग ट्रेन में खड़े खड़े ऐसे सोते हैं, खड़े खड़े सोते हैं, मैं तो ऐसा ही बोली थी लेकिन सच्ची निकला, मैं ऐसा ही नहीं बोली थी, मैंने भी बहुत जनों को देखा है ये ऐसे खड़े खड़े सो रहे थे, खड़े खड़े सोते आराम से बिल्कुल इतना बैलेंस हो जाता है, माना पड़ेगा ट्रेन हम लोग ऐसे 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 करते रहते हो क्या बोलते सॉरी यार ट्रेन हाली ना थोड़ा सा धक्का लग रहा। अरे जो डेली यात्रा करते हैं ना रोज प्रवास करते हैं वो लोग तो अपने आपको इतना डिसेंट और इतने अच्छे समझते हैं, उनको जरा भी करने का उनको ऐसा लगता है हमारे पसीना का बात उनको आता है, तो तुमसे नागा तो बात होता है तुम बाहर होता ना, फिर वो लोग शर्मिंदी हो जाते हैं, क्या सुबह से लोग ही बात है ना, हमारा थोड़ी पसीना का बात है, तुम्हारा ही पसीना का बात है, फिर इनका मुंह बंद हो जाता है। इसलिए हम लोग प्यार से बोलते हैं इसलिए उसका फायदा हम लोग लेते हैं, लेकिन फिर भी हम प्यार से ही बोलना है, अपन प्रेम से बोल रहे थे, तो इसलिए प्रियो हमेशा याद रखो कि थोड़ा सा बातचीत करते रहो तो मतलब आपको नींद नहीं आएगा। अरे बोल रहे मुझे थोड़ा सोके ना रहे, तो मनुष्य मसीह में होने के बाद भी पागल क्यों होते हैं, आने मानव श्रेष्ठा होने आता है चल अंदर सुधा पागल का हो, जब वो लोग मूर्ति पूजा और जादू टोना ये शक्ति का सहारा लेते हैं उस समय उनके ऊपर शैतानी अटैक हो जाता है, जब ही जादू टोना शक्ति शास्त्र के तहत वाले जब ही शैतानी हमला हो रहा फिर वो पागल होते हैं, अदर भी पागल होते हैं, तो मालूम है क्या दूसरे ना नहीं देखा, गाँव में किसी के घर में जाएंगे कोई भी लोग बोलेंगे अरे इन लोग यीशु को जाते थे इनके घर में ऐसा हुआ, क्यों हुआ उनके घर के प्रॉब्लम्स को या बुराई को देखा गया, अच्छा जो घर के समस्या था प्रॉब्लम सब भाई लगा वो लोग कैसे रहे प्रभु के साथ वो देखा गया, एक अच्छे रहे प्रभु सो करते भाई लगा वो नहीं देखा ते नहीं भाई लगा मालूम है, पर शैतान इतना दूर थे इतना चैप्टर है ना, और शैतान इतना दूर का नहीं चला नहीं वो क्षण भी नहीं देता आपको पश्चाताप करने, तो क्षण का देते हैं वाला पश्चाताप करने के, हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है, आपका देव खूब चांगला है, वो हमें क्षण नहीं बल्कि क्षण नहीं समय देता है पश्चाताप करने, आपने लगा ही कहा पश्चाताप करने से दिन। मैं आपको एक उसका अच्छा उदाहरण आने जैसे तुम्हारा सांगा उदाहरण सांगते हमारे चर्च में गीता नाम की जो औरत है हमारे चर्च में गीता नाम की स्त्री है उसको परमेश्वर को मालूम था वो आगे मरने वाला है, उसका पति आगे जाके मरने वाला है, देवाला माही होती है और पूरा जाऊँ मरना रहे ये परमेश्वर को मालूम देवाला माही होता लेकिन परमेश्वर ने उसको समय दिया, देवा तिला वेळ दिला तिला नहीं त्याला उसको समय दिया, समय दिया त्याला वेळ दिला कैसा समय दिया मैं आपको बताती हूँ, कसा वेळ दिला मी तुम्हाला सांगते, प्रियो एक हमारे वाणी के ट्रैक पे ना एक्सप्रेस और लोकल लगी रहती है ना, एक दिन उसको क्रॉस करते समय वो ट्रेन चालू हो गई, अरे एक तरह क्रॉस करता है कि गाड़ी चालू रहती है, वो ट्रेन के ट्रैक के अंदर सो गया, हाँ तो ट्रेन के ट्रैक में झोंक लिया और उसने इतना ही बोला प्रभु यीशु मुझे बचा, प्रभु यीशु का आवाज़
ट्रेन सबको लगा कि चेन्ना मेहता हो गया इसका, आगे सगे हटा तो चेन्ना मेहता था, लेकिन नहीं हुआ तो नहीं बना। सही है रिंकू, ये लोग पूछो वहाँ पर ही रहने वाले लोगों को, उसने मुझे खुद गवाही बताई, स्वतंत्र साक्षी समझो उसका चेन्ना मेहता नहीं हुआ तो सिरल नहीं। सब लोगों ने सोचा गेला था ही गया भी, लेकिन वो जी उठा, अपन तो जीवन था, प्रभु ने उसको खड़ा किया। अगर चलो वो उसी उससे क्या जानना चाहिए, तेजपत्र क्या उड़ा पाए थे कि बाबा आगे मेरे लिए मृत्यु खड़ी है, आने तो पूरा ऐसा की मृत्यु हुआ है, प्रभु ने मुझे बड़ी मृत्यु से बचाया है, प्रभु ने मोटा मृत्यु से मतलब वाचा है, मुझे क्या करना चाहिए, पश्चाताप करके परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास, जिसके पास मेरी बीवी जाती है उसके पास जाना चाहिए। अंतिम माजी बाई को साथ यीशु ख्रिस्त के पास देना पड़ेगा। सही है, कितना समय दिया, कितनी बड़ी दिला, महीने दिए उसको, महीने दिए, बाद में वो अटैक करके मर गया। अनंत तो अटैक में मिला को समझा, यानी प्रभु को मालूम था ना देवाना मारने वाला, फिर तो मरना था, फिर प्रभु ने उसको पश्चाताप के लिए समय दिए, प्रभु ने पश्चाताप से लिए। ऐसा नहीं होता है कि मरने वाले के पहले कि उसको समय नहीं देता, परमेश्वर बहुत समय देता है, देखो कर देता हूँ, किसी किसी को 6 महीना, थोड़ा थोड़ा सा 3 महीना, थोड़ा थोड़ा 3 महीने, किसी को 1 महीना, थोड़ा थोड़ा 1 महीना, किसी को 10 दिन, थोड़ा थोड़ा 10 दिन, किसी किसी को 7 या 4 दिन देता है, थोड़ा थोड़ा 7 या 4 दिन देता है। मैं जानती हूँ एक स्त्री मरने वाली थी, स्त्री मन रुकी और उसको हम लोग ग्रहण करवाया, प्रभु अद्भुत रीति से हमको उसके घर में लेके गया, अद्भुत रीति जो गरी होंगे हम यमुना था, तीसरा यमुना और उसने प्रभु को ग्रहण किया, अंधे प्रभु ने स्वीकार दिन के बाद चले 4 दिन निमुनगी प्रभु उसको ले लिया, क्योंकि उसको जीना कोई फायदा नहीं था, इसलिए प्रभु अच्छा है उसको ले लिया। अंधे वन चांदे त्याग इतना आपको समझा, लेकिन नहीं दिया ना उसको, पर मेरे लिए ना दिया 4 दिन, तो आखिरी सांस तो प्रभु 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 यीशु बोल रहे, अच्छे वो श्वास करते प्रभु यीशु बोल रहे, परमेश्वर है ना समय देता, आदेव ना मेरे देते पश्चाताप भी, डाकू को भी देखो पश्चाताप करने वाले जिस डाकू ने पश्चाताप किया उसको भी समय दिया, अच्छा डाकू ने पश्चाताप किया त्याला पण वेळ दिला, पूरा दिन दिया, पूर्ण दिवस दिला, जब से वो जेल में से जब क्रूस उठा के लेके जा रहे थे समय का हाँ, वो समय से वो देख रहा था कि कैसे यीशु को मार रहे हैं, कैसे यीशु को मार रहे, यीशु कैसे गिर रहा है, यीशु कैसा पड़ रहा है, ऑलरेडी उसने बहुत देखा था उसके जीवन में कि बहुत जनों को क्रूस पर चढ़ाए, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ किसी के लिए नहीं आती, खूब जनाना वजस्था पर चढ़ते हैं, इतनी मोटी गलती कौन सा नहीं है, यीशु के लिए बड़ी भीड़ थी, यीशु के लिए मोटी गलती होती, बड़ी भीड़ मोटी घर, ऐसी बड़ी भीड़ को देखकर वो सोचा नहीं शुरू में ये महान हस्ती है, अरे नंकी हाँ महान है, तब तक उसने विश्वास नहीं किया, तो पर तेरे विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने देखा कि ये महान हस्ती है, पहले की महान हस्ती है, खास जरूर नहीं है, अरे कहीं खास नहीं है, जैसे जैसे वो आगे लेके जाए गोलगत्ता स्थान तक पहुंचा, जैसे तो गोलगत्ता स्थान पर्यंत पहुंचा, वो शिक्षा उसको मिली वही प्रभु को मिली, लेकिन प्रभु को ज्यादा ज्यादा ही मिली थी, क्योंकि प्रभु का तो पूरा ही शरीर पूरा छलनी कर डाला था, प्रभु तो पूरा शरीर पानी सा के लेना, लेकिन उसने ये देखा हे पाया कि यीशु मसीह का जो क्रूस पर जो चेहरा था वो तेजस्वी था, और यीशु के वजह से हमारा चेहरा तेजस्वी होता, और उसने ये जो वाक्य उसने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर ये नहीं जानते क्या करते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर ये उल्टा नहीं काय करते हैं, उससे उसका काया पलट हो गया, तेजो पसंद जैसा काया पलट जैसा उसका हृदय छिल गया, आने से जैसे छिल उसका पाप उसको याद आया, तो पापा के सामने तेरा बोला, फिर उसने सबसे पहला प्रभु को कहा जब तू तेरे राज्य में आए मुझे याद, अंत तुझे राज्य में इतना बड़ा पापी हूँ मुझे माफ कर, इतना मोटा पापी है मेरा माफ कर, समझा पढ़ा था ये याद, पश्चाताप करने के लिए प्रभु किसी को मौका नहीं देता, टाइम नहीं देता, ऐसा कभी नहीं होता, हमारा प्रभु तो इतना दरिया दिल है ना, इतना महान है ना, इतना महान कि पृथ्वी पर जन्म लिए हुए हर व्यक्ति को पश्चाताप के लिए दिल देता है, पृथ्वी का दिल टाइम देता है, प्रत्येकाला पश्चाताप करण्यासाठी तो वेळ देतो, ऐसे ही वो तुरंत ऊपर नहीं लेता, आणि असं सुद्धा की वरती नाही घेत, बारंबार उसको बात करके मसीहों से बात करके विश्वासियों से मिला मिला कर पश्चाताप की ओर लेके जाना चाहता है, अभी तू नहीं पश्चाताप किया ये मेरे बेटे का तूने नहीं सुना तो आगे मौत है बेटा, आनी है मेरा बोला से तो आईकन है तो पूरे मरण है, बेटा ये बेटी तुझे बता रही है इतनी गिड़गिड़ा के उसको कोई तुझसे लाभ नहीं है, सुन ले इसका नहीं तो तू आगे मरने वाला है, आनी बोली सांगते का ही लाभ नहीं तीसरा परंतु पूरे तू मरना है, आगे ऐसा ऐसा है आज आज जो बता रही है उसका सुन ले नहीं तो आगे बहुत बुरी हालत है, अरे पूरे तुझे खूब वाइट हालत है जो कुछ अंकल तुझे बता रहे उसका सुन ले, अंकल जी का संकल्प ऐकून घे आगे मरण है पुढे मरण है काय का
एक आदमी मिला थोड़ा आगे गया, एक मानो बेटा थोड़ा पूरे गया ना, उसका नहीं सुना वैसे ना, एक दूसरा मिला दूसरा भी नहीं सुना थोड़ा आगे गया ना, एक थोड़ा पूरे गया वहाँ जो आगे नो थी अनबोला बंद हो गया, फिर वहाँ आगे गया थोड़ा गया उसका भी नहीं सुना, ऐसे बोले आंटी का नहीं सुना, अरे अंकल का नहीं सुना, अंकल से नहीं गया गया मर गए वो मेरा ऐसा होता ऐसा मरण ये था। कितना अच्छा है हमारा गुरु, किसे सामने आकर दे कितना प्यारा है ना, लेकिन लोगों को प्रभु का ये प्यारा स्वभाव समझ नहीं पा रहा, लोगों ने हमें तेरे वैसा प्रेम स्वभाव समझ नहीं है, मालूम हुआ इसलिए हमेशा याद रखना हमारे जीवन में जब कोई भी विपत्ति या मृत्यु की गति से ऐसा सोचो, कोई मरना मरण का जैसा आगे कुछ होने वाला है या मरने मरण की बात ऐसा कुछ होने वाली है तो समझ जाने का आगे निश्चित मेरा मरण है, उसके पहले मुझे पश्चातापी जीवन जीना, निश्चित पूर्ण मरण है मतलब पश्चातापी जीवन जगाया है, मुझे बचाया है प्रभु ने, मतलब वास्तव में प्रभु चाहता है मैं जीव, अरे ऐसा तो प्रभु की इच्छा ही नहीं दादा, उदाहरण में बताती हूँ, उदाहरण समझे सुशीला डोले का उसको जीवन आयु बढ़ा के दिया, कारण आयुष्य पूर्ण वाढवून दिले, इसलिए दुष्ट कभी भी चोरी कर सकता, आणि मग दुष्ट कधी चोरी करू शकतो, केअरफुल रहना चाहिए, आणि म्हणून त्याला काळजीपूर्वक त्याला नाही करायला नाही करायला, गोष्टी पूजा नाही केलं पाहिजे, के बाद जादू मना शक्ती का सहारा नाही लेना, आणि भक्तांकडे जादू मना शक्तीचा आसरा नाही घेतला पाहिजे, लोगों को अपने पति को अपने समाज को देखकर वो लोग बोलते हैं क्या करूं, वो लोग बोलते हैं क्या करूं, मुझे करना ही पड़ेगा, ऐसा करेंगे तो अचानक अचानक, क्योंकि उसको मालूम है ऑलरेडी एक नहीं दो नहीं तीन बार प्रभु ने उसको मौत से बचाया, एक दो तीन दिन देवान त्याला तो मैंने आपको बताया ना परमेश्वर क्या करता है, एक दो तीन चार पाँच छ सात लोगों को खड़ा करता है, अरे सात लोगों का नहीं होगा तो बचाने के वास्तव में समय देता है, पीरियड देता है, अगर नहीं टर्न हुए नहीं पीछे आए तो आगे मौत, ना ही बढ़ गए आगे नहीं आए तो मैं बुढ़ा मरना, इसीलिए हमेशा केअरफुल रहना है, बोलो नेहमी काळजीपूर्वक राहायचं, लोक हमारा समय मालूम नहीं, आणि कधी आपली वेळ माहित नाही, पश्चातापी जीवन, पण आपण पश्चातापी जीवन समाज को खुश नहीं करे, आणि समाजाला खुश करू नये, जो बोलते वो नहीं करे, आणि लोक जे बोलतात ते करू नये, इसलिए उनको क्या करना है, उसका पती है उसका बेटा है उसके घर के लोग है बोलकर उनका नहीं सुनना है, आणि त्यांचा नवरा आहे त्यांचा मुलगा आहे त्यांच्या घरातील लोक आहे त्यांना त्यांचं नाही ऐकायचं, प्रभू का सुनना है, प्रभूच ऐकायचं, इसलिए प्रभू को खुश करना है, क्यों, क्योंकि उनका पती उनको मृत्यू से नहीं बचाए, आणि त्यांचा नवरा त्यांना मृत्यू पासून वाचवणार नाही, बेटा नहीं बचाए, त्यांचा मुलगा नहीं वाचवणार, प्रभू बचाए, प्रभूच वाचवणार, दुसरा उनका बेटा उनका पती उनको नरक से नहीं बचाए, आणि त्यांचा मुलगा त्यांचा नवरा त्यांना नरक नरकापासून नाही वाचवणार, प्रभू ही बचा सकता है नरक से, आणि प्रभू वाचवू शकतो नरकापासून, ऐसा जिनको मृत्यू के निकट आकर प्रभु ने उनको बचाया, आणि त्यांना मृत्यूच्या जवळ येऊन प्रभु ने वाचवलेलं आहे, उन लोगों ने तो पश्चातापी जीवन ज्यादा जीना है, आणि त्यांनी तर पश्चातापी जीवन जास्त जगायचं आहे, वो लोग ज्यादा केयरफुल रहना है, क्यों अचानक शैतान ऐसा मारेगा फिर उनको पश्चाताप करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, आणि शैतान अचानक असं मारेगा की पश्चाताप करण्याची संधी भेटणार नाही, शैतान देता नहीं टाइम, आणि शैतान मिळत नाही, इसलिए प्रभु के साथ रहो, म्हणून प्रभूच्या सोबत, प्रभु के संग रहो, प्रभूच्या सोबत, अचानक ऐसा न हो की आज सुशीला डोले ने सो जो राणी का शादी पद्धत से उनके पद्धत से करा दिया, आणि राणीचं लग्न त्यांच्या पद्धतीने और उसी दिन मर गई, त्या दिवशी मेहनत काय झालं, क्या हुआ क्या होगा, रानी को गई, रानी गई अपने पति के घर पे अपने नवरे चले, ये तो कहाँ जाएगी, अरे यहाँ को जाना है नरक, नरक का अभी आपको समझा पढ़ा था, अभी आपको समझा कि तुम्हारा पढ़ा था, हाँ तो ये बात हमेशा हम लोग ध्यान रखना चाहिए, अरे यहाँ को उसी समय आपको नहीं भी जोड़ पाए, परमेश्वर कृपा किया है उसको, आदि वाले कृपा की है, परमेश्वर उनके कितने पाप क्षमा करता है, आदि वाले कितनी पाप क्षमा करता है, मेरे भी आपके भी, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे उसके ऊपर प्रेम करते हो बहुत बड़ी पापी है, हम क्या कम पाते हैं, अपन भी कम ही पापी है, हम भी पापी है, अपन बहुत पापी है, हम सब गलतियां करते हैं, आदि अपन सब चुका करते हैं, लेकिन पर हम हमारे समाज से समझौता नहीं करते, आणि आपण आपल्या समाजाशी समझौता नहीं करत, ये मैं बोल सकती बाबा, मैं हाँ मैं मेरे बारे में बोल सकती मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, आणि मैं मूर्ति पूजा नहीं करत, मैं समाज के साथ समझौता नहीं करत, आणि समाजाबरोबर समझौता नहीं करत, वैसे आप लोग भी वही करते, आणि तुम्ही वही हमारे सबसे बड़ा फायदा है कि हम कोण मामले में सुरक्षित आहे, आणि आता आपल्या सगळ्यात मोठा फायदा आहे की आपण त्या भागामध्ये सुरक्षित आहे, इसलिए प्रभु हमको टाइम दे, आणि म्हणून प्रभु आपल्याला वेळ दे, पश्चाताप करते, अगर आज उठाए जाने का दिन आया आणि आज उतरा जाने दिवस आला, अंदर बताएगा तो आप सांगे अस्वस्थ करेगा, अस्वस्थ करेगा, एक एक बात याद दिलवाए, एक एक गोष्ट आठवण करून दे, माफी जैसे हमने माफी मांगा टाकता है, आणि जसं माफी मागितली तसंच आहे, ये फरक समजा आपको, फरक कळला तुम्हाला, फरक समजायचा, तुम्हाला वचन करते ना,
तो वैसे प्रियो ये ख्याल करना उन्होंने पाले ही जो संसार से समझौता करते हैं जगह से समर्पण दाखवता है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि हमारा जो सेवा है अपनी जी सेवा है शरीर को जिंदा रखकर आदि शरीर जीवन से करना हाँ वैसा लिखा है वहाँ आया से रोमियो की पत्री अध्याय 12 उसका 1 और 2 में कि हमारा ये शरीर जिंदा रखकर प्रभु की सेवा करना अपने शरीर जीवन देवा की सेवा करना शरीर को कैसा आप जिंदा रखोगे शरीर कसा जीवन संसार के समरूप आप नहीं होगी जगह से समरूप तुम्हें होंगे संसार जो करता है जगत जैसे करता है संसार में मूर्ति पूजा होती है जगत मूर्ति पूजा होते हैं तो मैं मूर्ति पूजा और आप करते हैं क्या मैं तुम्हें मूर्ति पूजा करते हो तो जो लोग करते हैं अरे करता उनको पश्चाताप का समय शायद शैतान नहीं देगा अंदर पश्चाताप शायद शैतान देना हम नहीं करते बराबर नहीं करते हमको पश्चाताप का समय मिलेगा पश्चाताप की वेळ भेटेल संसार क्या करता है जब क्या करता है एक एक बातें जल्दी जल्दी बता चालू करना चालू करना सही है हम लोग आप लोग करते हो भी करता है तो आपको पश्चाताप का समय है और पश्चाताप की वेळ है जो लोग करते हैं उनको पश्चाताप का समय नहीं करता तेना पश्चाताप की वेळ तीसरा व्यभिचार व्यभिचार आप लोग व्यभिचार करते हो व्यभिचार करना संसार में ये ज्यादा चलता है आधी जगह ये आजकल चलता है एक दूसरे को देखना गंदा देखना टीवी देखना मूवीज गंदा गंदा देखना ये संसार में ज्यादा चलता है खान पान टीवी मूवी पाना ये सब जगह ज्यादा चलता है हम लोग करते हैं अपन करते हैं उनको पश्चाताप का समय उनको नहीं अरे आप पश्चाताप जो चर्च में आकर करते हैं चर्च में ये करता है उनको बहुत केयरफुल रहना यानी खूब काळजी बरोबर राहायचं कभी शैतान मारेगा बोल नहीं सकता अरे कभी शैतान मारे सांगू नाही शकणार चौथा चौथा दारू पीना आप लोग दारू पीते हो दारू पीता नहीं तो आपको पश्चाताप का समय तुम्हाला पश्चातापाची वेळ आहे संसार के समरूप क्योंकि संसार में दारू एक फैशन है कारण जगह दारू एक फैशन आहे आज औरतें स्त्रिया आज पुरुष फैशन के लिए दारू पीते हैं फैशन साठी दारू पीते हैं वो लोग सिगरेट जो पीते हैं ते जे सिगरेट पीता आज लेडीज भी आप अगर जो मुंबई में जाते तो उनको लिए तो चलो नेचुरल है लेकिन कभी सैटरडे को बाहर हमारे वांगी में स्टेशन के इधर चौक में खड़े हो जाओ अरे शनिवार वांगी में स्टेशन के इधर ऊपर हां या फिर प्लेटफार्म पे खड़े हो जाओ प्लेटफार्म पर रुके लेकिन क्या है प्लेटफार्म पे ये पीछे नहीं दिखेंगे लेकिन अमृत करके दुकान के इधर जरा 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ अरे अमृत ऐसे दुकान के इधर 2 मिनट खड़े हो गए बहुत लोग औरतें स्मोकिंग करते हुए दिखाई दे रही है अरे कुछ नहीं दिखाई दे जितने से कपड़े इतना सा एक धागा अरे बड़ा सा धागा हाँ ऐसा डालकर वो लोग गाते हैं वहाँ पर ही बैठ कर स्मोक करते हैं आंटी से बहुत इंग्लिश में बोलते हैं बहुत इंग्लिश में अरे खूब इंग्लिश में बोलते हैं तो वो लोग दिखाते हैं तुम सब लोग गाओ की हम सब फॉरेनर ऐसा लोग दिखाते हैं ऐसे दिखाते तो ये फैशन है अरे ये फैशन है अगर ऐसा कपड़ा पहनकर ऐसा ओढ़ी मिट्टी पीन लगाने वाले बोलेंगे बेचारे गाओ की ऐसा मॉड कपड़ा डालने वाली लोग बोलेंगे हाँ शी इज अ फैशनेबल शी नोज एवरीथिंग ऐसा उन लोगों को तो ये संसार के समरूप आने जगह से समरूप इससे संसार में जाने वाला वो लोग भी वैसे ही कपड़े पहन आने जगह में जाने वाले लोग जैसे वस्त्र पहनते हैं लोगों को भी ऐसा लगता है कि अरे अगर मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे मैं अगर ऐसा ओढ़नी पिनअप लगाऊंगी तो ओढ़नी ऐसा पहन का होगा तो वो लोग क्या बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसलिए वो लोग भी फिर क्या कर देते हैं बोले क्या करता है फिर वो लोग भी बिना ओढ़नी के घूमना चालू कर देते हैं बिना ओढ़नी से फिर शुरुआत कर फिर बाद में उसके बाद अंदेशा अंदर फिर धीरे धीरे पैंट पे आ जाते हैं अंदर पैंट पर फिर पैंट का जो शर्ट है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर हो जाता है वो पैंट जरा नीचे हो जाती है पैंट खाली होते हैं फिर गैप आ जाता है फिर पेट का गैप आ जाता है मोटा सा गैप हाँ ये धीरे धीरे फिर सीवलेस आ जाता है ये क्यों वो लोग संसार वो क्या सोचते अगर मैं उनके जैसा नहीं रहूंगी नहीं पहनूंगी तो फिर मैं उनमें के नहीं रहूंगी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे उड़ाने दो ना आपको क्या लगता है कल जो हमने नोहा के बारे में देखा नोहा बदल पाई ना गलत बोली नोहा के बारे में देखा तो ये नोहा का क्या मजाक नहीं किया नोहा मस्करी ऐसे गेले वो प्रभु प्रभु पिता परमेश्वर परमेश्वर ऐसा करता था पिता परमेश्वर ऐसा करायचा भक्ति करता भक्ति करायचा पूजा नहीं करता पूजा नहीं करायचा और अपने बच्चों को सबको परमेश्वर के बारे में सिखाता था आपका मुला देव बदल शिकवायचा उस काल के जो लोग थे उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया के जो लोग मस्करी गेले नसेल का हे बीबी कोई पकड़ के रखे बुढ़ी बीवी रो रही है अरे वैसे भाई को बुढ़ी बीवी को पकड़ कर बैठ अरे वैसे भाई को पकड़ो बस यार ये नो आए क्या है बोला मैंने ना क्योंकि उस समय व्यभिचार था पहले भी व्यभिचार होता है बहुत था खूब होता है नोहा ने व्यभिचार नहीं किया नोहा ने व्यभिचार नहीं किया बीवी बूढ़ी थी तो भी वो बूढ़ी बीवी के साथ ही था वैसे सिर्फ तेजी पत्नी होती तेजी और होता
मजाक उड़ाया होगा ना, मस्करी के लिए शायद औरतें भी आई होगी, तैयार रहती वहाँ को लाइन वाली होगी, जवान लाइन वाली तैयार है, बुढ़ी के शादी रहता है। अरे वैसे से बोलो ना, मजाक नहीं किया, मस्करी नहीं की, लेकिन उस मजाक को उसने सीरियसली लिया। पर क्या मस्करी कर रही, सीरियसली लेता परमेश्वर को उसने गंभीरता से, भक्ति को गंभीरता से लिया। अरे देवानंद जो भक्ति रहने गंभीरता लिया, यही हम करना है संसार में। हम जाते हैं तो संसार में जो करते वो हम नहीं करना है, जगत अपन जाते जगत जैसे करते तो सब नहीं करे थे वो लोग, कुछ भी करते करूंगे, हमारा प्रभाव उन पर पड़ना चाहिए, हमारा प्रभाव देना पड़ना चाहिए, ये दिखाना चाहिए, ये दिखा रहे मालूम हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि जो संसार में, संसार में एक जो व्यसन एक फैशन बन गया, अरे जगह पर एक व्यसन फैशन ना है, व्यसन नहीं करने वाला को लोग मूर्ख बोलते हैं, अरे व्यसन नहीं करने लोग मूर्ख मानते हैं, उसको एकदम अड़ानी बोलते हैं, अरे अड़ानी अकेले कर काय अकेले जाए, अरे तू पीता नहीं, तू पीता नहीं, अरे बटे तू बियर पीता नहीं, तू बियर नहीं पी, बेचारा बच्चू है तू क्यों पीता है, ऐसा मजाक उड़ाते हैं, अरे ऐसा मस्ती नहीं करता है, फिर उनको शर्म आती है ना, बेचारा मजाक उड़ाए गद्दार चल बियर ला सना के शैतान का दाव दाव पे दे रही है, शैतान दाव पे पाई थी। तो जो मसीह में चर्च में आने वाले लोग, अरे क्रिश्चियन में चर्च में आने वाले लोग को जिंदा रखना है, शरीर जीवन जो जिनको आगे मृत्यु से सामना करके जो लोग गए, अरे जो मृत्यु का सामने पड़े गए ने उनके आगे मृत्यु नहीं, अरे जो मृत्यु आगे तो उनको छोड़ेगा नहीं, अरे उसके ने छोड़ना नहीं, वो चाहेगा कि कैसे भी ये पाप करे कि उसी पाप में मैं उसको नरक ले ले, अरे जी इच्छा करके कैसे ये पाप करे तो पापा भी नरक ले जाओगे, कभी सुशीला ढूंढे कैसे भी करके गलती करे कोई तो बड़ा पाप करे कि मैं उसको पकड़ू उसी घड़ी उसको हॉस्पिटल जाए पर कुछ ऐसा काम का ही ऐसा काम ऐसा आपको समझा तुम्हारा पढ़ा था तो वो नौकर नहीं रहेगा तो संधि नहीं रहेगा, केयरफुल रहो, तुम बातें करो क्या क्या करो, केयरफुल रहो, जागरूक रहो, जागरूक रहना, ख्याल से काळजी करो, बहुत ख्याल से खूब काळजी करो, ये प्रभु आपको चेतावनी देता है, ये जो मैं चेतावनी देता हूँ इसलिए प्रभु बहुत अच्छा है, मन प्रभु खूब चांगला है, बहुत अच्छा खूब चांगला है। मोसेस ने जो बोला, मन मोसेस जो बोला बहुत समझदारी से बोला, मन खूब समझदारी से बोला, क्यों समझदारी से बोला, अनिका का समझदारी बोला, जो क्रोधी व्यक्ति था, जो क्रोधी व्यक्ति होता है, खूनी खूनी व्यक्ति था, खूनी व्यक्ति होता है, जो अहंकारी था, जो अहंकारी होता, ऐसा मोसेस, ऐसा मोसेस जैसे परमेश्वर के करीब गया, आणि जसे देवाच्या जवळ गेला बदल गया, बदलला, वो विनती करता क्या, आपको क्या लगता है परमेश्वर सचमुच लोगों को मारने वाला था क्या, देवघर से ना मारना होता, परमेश्वर परमेश्वर बताना चाहता था कि मेरे संगति में वास करने वाला मोसेस देखो कैसा बदल गया, देवा दाखवायचं होतं की माझ्या संगति बसणारा मोसेस पहा किती बदलला आहे, मेरे साथ रहने वाला ये मोसेस का स्वभाव देखो आज वो मुझे सिखा रहा है, मतलब कितनी अच्छी बातें कर रहा है, आणि किती चांगल्या गोष्टी तो करत आहे, वो मेरी बात है, अति माझ्या गोष्टी आहे, मेरा स्वभाव है, माझा स्वभाव आहे तो वो बताने के लिए, ते दाखवण्यासाठी परमेश्वर ने मोसेस को उस परिस्थिति लेके गया, दिखाने के लिए मनुष्य को बताने के लिए, देखो जो मनुष्य परमेश्वर के साथ रहता है वो मनुष्य चेंज हो सकता है, परमेश्वर का स्वभाव धारण कर सकता है, आणि जो मनुष्य देवा सोबत राहतो तो बदलू शकतो, तो देवाचा स्वभाव धारण करू शकतो, हालेलुया 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 हालेलुया, परमेश्वर अच्छा आहे सदा अच्छा आहे, परमेश्वर अच्छा आहे सदा आहे, परमेश्वर अच्छा आहे सदा आहे, प्रभु बहुत अच्छा है, कलियो परमेश्वर सचमुच बहुत अच्छा है, उधर सब चांगला है, सदा के लिए तो इसीलिए परमेश्वर का जो हमने अभी यहाँ देखा कि परमेश्वर अच्छा है, आणि आपण जे देवा हे देव चांगला आहे, तो जो परमेश्वर के करीब जाते आणि जे देवाच्या जवळ जातात उसके अंदर परमेश्वर का ही स्वभाव आहे, त्याच्यामध्ये देवाचा स्वभाव आहे, बुरा नहीं वाइट नहीं, तो इसलिए प्रभु ने खास जो मध्य दे साथ में कहा था, आनंद प्रभु मध्य दे साथ में खास माना था, तुम उनके फलों से जानो, आदर ने जो फला नहीं ओढ़ा, जो यीशु के पास आकर भी जो यीशु ने यह ऊपर आपको लुटते हैं, मदद लुटते हैं, देते हैं, दो का शमन नहीं करते, शमन का लगाई देते हैं, शिवे देते हैं, मारते हैं, मारता झगड़ा करते हैं, मदद करते हैं, समझ जाने का ये अभी भी प्रभु के करीब, ये अभी भी प्रभु के करीब, आदर ने देवा जो फिर वो कोई भी हो, मतलब कोई नहीं है, चलते उन लोग को घर में रह के भी चलते, तो वो तो जिसको चलते जो चल सहता है, जो चल सहन कर दो, जो सहता है तो सहन कर दो, प्रभु के करीब है तो प्रभु जो दौड़ा, जो नहीं सहता जो नहीं सहन करे प्रभु के करीब तो प्रभु जो दौड़ा है,
आप लोगों की कब तक सहने का मर्यादा बनाए प्रभु ने कब तक सहा प्रभु ने खुद बंद समझे ना लिमिट दिया क्या मर्यादा दी था तो फिर जो लोग प्रभु के करीब है वो हमेशा सहते हैं प्रभु ये नहीं बोलते आता माझ्या नी नाही जमणार 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 आता बघ मी आता काय करणार अब निर्णय करते नहीं जो प्रभु के करीब है जो प्रभु जो जवर आए वो सहन शक्ति दिखाएगा तो सहन शक्ति रखे छल भी सहेगा अंचल ही सहन प्रभु ने छल सहा ना प्रभु ने छल सहा किया ना यीशु मसीह परमेश्वर के करीब था यीशु ख्रिस्त देवा जो जवर होता मोसेस ने छल सहा ना मोसे ने छल सहन किया ना मोसेस ने किन लोगों का छल सहा अरे कौन था लोगों का छल सहन किया जिनके साथ भलाई किया अरे जो सब चांगल पाने मोसेस ने भलाई किया ना मोसे ने चांगल पाने किया ना अपना पद छोड़कर अपना पत्नी बच्चों को छोड़कर सेवा में उतरा ना अरे टेंशन सभी तो देखिए पत्नी ने जो मुलान ना सोलों तो सेवे सभी उतरला ना सच है अरे करेक्ट ना जो टाइम उसको अपने बीवी को अपने बच्चों को देना था वो बच्चा छोटा था उनको देना था वो किसको दिया इसराइलियों को दिया ना अंजी मेरे जैसा भाई को ना जैसे मुझे लहान को देना देना बच्चों को दे इसराइल लोगों ने नहीं बढ़ा वही लोगों ने मुझे इसको चला आज यार लोगों ने तो मुझे ना चला विरोध की बातें की विरोध ऐसा कुछ नहीं उठाया दगड़ उठाया ना मारने के लिए पत्थर उठाया अरे मारने से दगड़ उठाए सोचो विचार कर इतना अद्भुत काम परमेश्वर ने मोसेस के द्वारा किया तो मोसेस का डर लोगों में कितना होना चाहिए अरे मोसेस की भीति लोगों में कितनी असली बन गई लेकिन फिर भी इसराइली लोग बोले ए मोसेस क्या उधर मिस्र में कब्र नहीं थी कि तू हमको यहाँ मारने के लिए लाया अरे मिस्र में कब्र ना होती कि तू हमें इधर मारने से ठीक हो ना दस मोसेस ने बोला क्या मोसेस बोला ना आता माझ्या नी पण झालं अभी तुला दाखवतो अभी देखा ना देवा मारून टाकायला मार टाकेन सर्व चांगलं काम केलं अच्छा यहा तो कितना बडा बापरे मी तो इथं सोशल की जो दास लाल समुद्र दुभागा पार नहीं गए तो पानी के ऊपर झगड़ा किया आणि लाल समुद्र पार को पुढे नाही गेले तर पाण्यावर भांडले तू पाणी नाही ऐसे जगह पे लाया तो पाणी नाही मारने के सचमुच उनको मारने के लिए लाया था क्या बस मारे आने लगे देखो उनकी सोच कितनी बुरी त्यांची मानसिकता किती वाईट होती तो चला ना मोसेस अगर मैं देखा तो मोसेस को चला अरे काय कोणी कदे मोसेला चढ देने लेकिन मोसेस ने सहा ना पर मोसेस ने सहन केला ना तो जो प्रभु के करीब रहते हैं ते प्रभु जो जवळ असतात वो सहते ते सहन करतात जो प्रभु के करीब नहीं रहते ते प्रभु जो जवळ नसतात तो नहीं सहते ते नहीं सहन करत इस से आप लोग आज से पहचान लो मला तो सुंदर ओळखा मी अरे बारी येला पाहिजे असं असतं उपवास प्रार्थना मी असे वचन आणि उपवास प्रार्थनेमध्ये असे सगळे वचन येतात टाइम का लिमिटेशन नाही येत आणि वेळेची मर्यादा नसते जेही उतना समय ले सकते पाहिजे तेवढा वेळ भेटतो चाय का ब्रेक आपको नहीं भी दिया तो भी चलेगा आणि चहाचा ब्रेक नाही दिला तरी चालेल लेकिन आगे ले गया लेकिन हम देंगे आपको समझा तो हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है अरे आपला देव खूप चांगला आहे बहुत अच्छा बहुत चांगला उसके साथ रहने वाला उसके करीब रहने वाला अच्छा करता है आणि त्याच्या जवळ राहणारा चांगला होतो आता आपला यवनामध्ये जटकलेलं मुलगाचं वचन झालंच नाही हाजीरावर गेलो नाही पूर्ण केलं येशु केलं मे बी अच्छा करता अभि मोसी अध्याय का यमुना अध्याय पाच का यमुन पाच हा उसका 19 से पढ़ेंगे 19 सबसे मेन जो वचन है वो 21 है जो मैंने बोला ना परमेश्वर कौन सा भलाई अच्छा काम कौन सा करता है वो 21 वचन है लेकिन हम 19 से इसलिए पढ़ेंगे ताकि हम आपको समझा सके कि हमारा परमेश्वर कौन सा काम करता है अरे अपने कौन सा काम करते यावरून येशूने त्यांना उत्तर दिले मी तुम्हाला सत्य सांगतो पुत्राला स्वतः होऊन काही करता येत नाही पुत्र जो प्रभु येशू जो आज हमारे बीच में काम करते वो अपनी ओर से खुद की मर्जी से नहीं करते परंतु तो पिताला जे करताना पाहतो उसने पिता को ये काम करते हुए देखा क्योंकि येशू मसीह जब आने पृथ्वी पर आने से पहले पिता परमेश्वर के साथ थे और यीशु पिता देवाबरोबर सोते हुए यीशु ने महायाजक के प्रार्थना के समय पे उसने क्या कहा महायाजक के प्रार्थना के समय पे भाई आना आपके साथ हवा और मैं तुमसे सोच रहे थे संतेज तो करतो कारण जे काही पिता करतो ते पुत्रही करतो जो कुछ पिता करता है वही पुत्र भी करता है पिता पुत्रावर प्रीति करतो हाँ पिता पुत्र से प्यार करता है
अंतो जे करतो जे सर्व पुत्राला दाखवतो और वो जो कुछ करता है वो क्या करता है पुत्र को दिखाता है होय आणि तुम्हास आश्चर्याने भरून टाकण्यासाठी तो याहून महान कृत्य त्याला दाखवतो हां अभी वो कौन से काम करता है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं ऐसे बड़े बड़े महान काम वो हमारे जीवनों में करता है यानी कौन सा काम करता है हमें अचंभित करने वाले हमें अचंभित करने वाले हम सोच भी नहीं सकते कि अरे ऐसा ऐसे अचंभित काम परमेश्वर हमारे जीवन में भले या बुराई ही नहीं अचंभित काम यानी ये नहीं कि भूकंप दिया और हम मर गए ऐसा नहीं अचंभित काम यानी जहाँ मार्ग नहीं वहाँ मार्ग निकालना जिसे मार्ग नहीं जिसे मार्ग काटना सूर्य को हमारे लिए इस्तेमाल करना सूर्य का वापर अपने स्टडी करना नदी को हमारे लिए इस्तेमाल करना नदी का अपने स्टडी वापरना हमारे लिए अद्भुत काम जो हमने कभी जिंदगी में सोचे नहीं ऐसे काम होना आयुष्य को विचार नहीं किया काम होना जैसे अद्भुत काम मैं आपको बता दूँ अद्भुत काम मेरे पास आने हाजीरा 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 जब अपने दासी से भाग के गई अने अपनी स्वामिनी से भाग के गई जब हाजीरा अपने स्वामिनी पास थोड़ा कम गई क्यों भाग के गई कहाँ पड़ोंगे गई क्योंकि उसकी गलती क्या थी चूक क्या होगी उसने जिस स्वामिनी ने उसको अपने स्थान पर अपने पति के लिए दिया अंजा स्वामिनी ने तीसरा नवजात दिया गिरे हाँ तो उसने क्या करना चाहिए था जब गर्भ धारण हुआ तो उसने अपनी स्वामिनी को छेड़ना चाहिए था क्या अरे गर्भ धारण करा उसने अपने स्वामिनी का छेड़ा पाई जो था उसने छेड़ा आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति अध्याय में वहाँ वचन है अरे उत्पत्ति अध्याय में वचन है आप यमुना अध्याय में कुछ रख दो यहाँ मत का उसका सोलह वाद है उत्पत्ति सोलह उत्पत्ति सोलह त्याप्रमाणे त्याने हागरीचा स्वीकार केला ती गर्भवती झाली आपण गर्भवती झाल्याचे तिच्या लक्षात आले हा जैसे हाजीरा को मालूम पडा की वो गर्भवती हो गई है हां तो तेव्हा ती गर्भाने फुगून गेली वो घमंडी हो गई उसके अंदर घमंड आ गया और उस घमंड ने क्या किया आणि आपली मालकीन सालाय तिच्याशी उद्धटपणे आणि आढळतेने ती वागू लागली हा घमंड क्या करता है कभी भी बुरा काम करता है बुरा काम करता है गलत रीति से बर्ताव करता है घमंड इंसल्ट करता है और ये भी भूल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है और वो क्या करने लगी सारा के साथ इंसल्ट सारा का इंसल्ट करने लगी अपमानजनक शब्द निकालने लगी अभी ये हाजीरा कौन है अरे ये हाजीरा कौन है ये हाजीरा जो जब हमने कल जिस जैसे देखा सारा के बारे में तो सब सारे के बारे में अकाल में जब वो कनान देश में रहते समय अकाल आया अंतो दुष्काल पड़ा जो अभी कनान देश में थे वो मिश्र में गए आगे वो मिश्र देश में मिश्र का जो फिरौन राजा था अरे मिश्र का जो फारो राजा होता उसने सारा को अपने पास रख लिया अरे देने सारा का सौदा कर लिया उसमें आपको मालूम है ना गलती किसकी है हम तो कौन थे अब्राहम की वो भी अब्राहम की गलती नहीं क्योंकि अब्राहम डर गया अरे अब्राहम घबरा इसीलिए अब्राहम ने कहा ये मेरी बहन अरे अब्राहम पढ़ा नहीं मालूम बहन है फिरौन ने रख लिया फिरौन ने अपने उसकी देखरेख करने के लिए उसको सजाने के लिए उसको तैयार रखने के लिए उसकी सेवा के लिए एक दासी दी आपके रटाया होने से लेकर सेवा करने से भी फारू ने लिए दासी दी देगी वो दासी है हाजिरा आपकी दासी है हाजिरा आपको समझा और जब परमेश्वर ने फारू के ऊपर अपना विपत्ति डाला हाथ उठाया हाँ जगह देवा ने फारू जो भी हाथ उचलना तो फिर हमने क्या किया फारू ने कहा किया अब्राहम को जो जो दिया था अब्राहम वाले जैसे दिले ना वो लेकर जाने के लिए बोला आते घूम जाए सही चल चल दे वापस ऐसा चल वापस तुमने तो ऐसा नहीं किया मुझे मैंने तुझे दिया था ना मैं दी देना चल चल वापस दे चल तो ना परत कर हाँ इसलिए इसे एक बात अच्छा हमेशा सीखना आने जब उन्हें संगे कुछ जब हम किसी को कुछ देते हैं जो आप को ना लगाई देते हो गया ऐसा दे चलो दे ऐसा नहीं बोलना है ऐसा नहीं बोले तो इसे तुला हजार रुपये दे देते हजार रुपये दिया था ना जल्द दे दे तो माता तक खटक ले तू तू को मैं आता चालू दूसरे कर दे हजार ऐसा नहीं करना है ऐसा नहीं करेगा दैशी में जरा पानी पूरी सर ले लेना पानी पूरी ले लेना सलाद मतलब भेड़ पूरी सर ऐसा कभी मत हो आपने पानी पूरी खिलाई बोलकर तू मुझे भेलपूरी खिला ऐसा नहीं करना अरे पानी पूरी खाने से तू भेलपूरी खाने का असर बनो कभी तू फिर तू सो जाएगा फिर काम करा दीदी मी तुमच्या इटलीला जाते मी नाही खाणार आपो अकेली को खिलाते मी नाही खाऊंगी तर मग आपण काय केलं पाहिजे तर हम काय खाल्लं ते खाल्लं
अविश्वासी लेकिन उसने इसके साथ अब्राहम के साथ भलाई की ऐसा शब्द है देखो वहां पढ़ो अब्राहम के साथ भलाई की ने और दास दासी भेड़ बकरी और ऊंट क्या ये सब हमने पढ़े थे ना कल वचन में कल वचन स्वास्थ्य तो वहाँ पढ़ो वहाँ दिया था कल वो वचन खास बोला कि फिरौन ने फिर वो भलाई क्यों की थी अनका सांगुल पाना के ना सारा के कारण के अरे सारा मुझे के कुछ भी हो सारा के कारण के तो लेकिन की ना पर के ना लेकिन वापस वो लिया के उस लिया के इसका काम नहीं वैसे ही सारा जब उसकी नहीं हुई अरे वो सारा दीजिए नहीं दे तो भी सारा को ये राशि दी गई थी अरे सारा ने ही राशि देने का ले इसलिए वो लेकर गई अरे उन्होंने भी होंगे वो उसको बोला तू ये राशि को लेके जा तो उन्होंने भी राशि क्यों ऐसे ये हाजिरा उसकी सेवा के लिए अरे ऐसे हाजिरा तेरे सेवे सटी हमेशा उसके साथ अरे नहीं भी जैसे सोखती से सोबत रहे उसका कपड़ा धोना जैसे कपड़े बर्तन घसना जैसे भांडी घासना घर साफ करना घर साफ करना ये हाजिरा का ड्यूटी है हाजिरा से ड्यूटी होती है कितना बड़ा उपकार मुझ पर किया कि मैं एक फिरौन के हाथ के नीचे थी लेकिन आज मुझे स्वतंत्र देश में और परमेश्वर जीवित परमेश्वर के पास लाया है जीवंत देवग्रह भगवान देता है और मुझे ये मेरी स्वामी ने कितना बड़ा ऊंचा पद दिया आनी माझे स्वामी जी मला किती मोठं ऊंचा पद दिले जाणे जी सो अहंकार से कुछ नहीं लेना आनी मला ही अहंकार ने कुछ नहीं बोलले पाहिजे असं बोलना चाहिए ना अरे असं बोलले पाहिजे होतं ना देखो कैसी घमंडी हो गई पण पहा ती किती घमंडी झाली और इसीलिए म्हणून सारा नेचरली उसको छाने लगे आणि असं सारा तिला छोडू लागले कुछ छोड़े गए सोडना ना ऐसे लिखे मां आधी तसे दिले मग साने अब्रामाला म्हणाली हा सारा तुमचाच दोष आहे वास्तविक मी स्वतःच तिला तुमची उपपत्नी होण्याचा मान दिला आणि असे असतानाही दासी आता मलाच तुच्छ मानू लागली आहे देव माझ्यामध्ये व तुमच्यामध्ये न्याय करो अब्राम घाबरला हे बोलल्यानंतर का अब्राम क्यू डर गेला का घाबरला हे वाक्य बोलले पण साराने साराने वाक्य म्हटल्यावर त्याला पाहिजे जसं आपण बोलतो तसा देव करतो हा अजून काल मी बोलली सारा बदल वो सारा प्रभु यीशु की परमेश्वर की बेटी है कारण सारा देवाची मुलगी आहे और अब्राहम परमेश्वर को जानता है आणि अब्राहम देवाला ओळखतो क्या कर इसने न्याय मांगा आणि जर इसने न्याय मांगितला कानूनन उसकी पत्नी है आणि म्हणूनच तिची पत्नी आहे इसीलिए परमेश्वर किसकी बाजू लेगा आणि म्हणून मेरे पण बाजू नाही अब्राहम की नाही अब्राहमचे नाही सारा की लेगा सारा की घे इसीलिए म्हणून तुझे आगे क्या बोला यावर अब्रामाने सानेला उत्तर दिले या तुझ्या दासीला तुला योग्य वाटेल ती शिक्षा करण्यास काही कर आपण काही नाही तू मला बोललास म्हणून मी गेलो आपण माझा हात काही नाही आपला हात जाळून घेतला नाही आपला हात सीधा उचलून निकाल माझी याला पूर्ण संमती आहे तेव्हा तू जो इसके साथ न्याय करेगी जो कुछ तुझे करना आहे तू कर सकती तेरी दासी आहे बाबा तू जो कुछ कर सकती मेरी पत्नी नाही आहे तेरी दासी आहे मेरी पत्नी इसलिए जब उसने इश्माईल को निकालने के लिए कहा सारा ने जब सारा इश्माईल काढायला बोलली अब्राहम को दुख हुआ अब्राहमला दुख तब आपको मालूम है क्या हुआ परमेश्वर ने क्या कहा तेरी पत्नी जो बोलती है अब्राहम वो सुन तुझी पत्नी की संख्या अब्राहम तेज है इश्माईल और हाजिरा यहाँ तो नहीं रख उनको निकाल दे इश्माईल ने हाजिरा बेटे को काट कर डाल है ना तो इसलिए ये हमेशा याद रखना और उन्हें लक्ष्य ठेव हमेशा सुनता ना तो जरूर इन दोनों के बीच में रहता ना तो परमेश्वर अब्राहम को मालूम था परमेश्वर अब्राहम ने परमेश्वर को अच्छा जाना था आणि अब्राहम ने चांगले ओळखले था इसीलिए उसने अपना हाथ पहले साफ किया और पहले से हाजिर रखा और बोला बस भाई तूने मुझे की थी अनको मार दिलेली मैं तुझे उसे वापस देता अंदर लगू ना देता मुझे जो करना है अंदर राजी कर रहे बस करो जब भाई तुझे कुछ भी नहीं बोलना अंदर लगा ही बोलना है ये देखो क्या हुआ तेवा सारे ने हागरेला मारहाण केली आणि हागर पळून गेली उसे चला उसको मारा तो ऐसा बोलती मेरे साथ ऐसा करती है फिर हाजिरा क्या हो गई भाग गई
फिर आगे बढ़ो। हाजिर हम भागने के बाद देखो परमेश्वर ने कितना अच्छा काम उसके लिए किया, परमेश्वर ने उसको स्वर्गदूत भेजा। आगे वाली देवदूत पढ़ो ना, शूर गावाच्या वाटेवरती रानातील एका झऱ्याजवळची एका देवदूताला आढळली। देवदूत तिला म्हणाला, हागारे सारेची दासी, तू कोठून आलीस आणि कोठे चाललीस? हागारेने उत्तर दिले, मी माझ्या मालकीने बसून पळून चालले आहे। तेव्हा देवदूत तिला म्हणाला, तू तुझ्या मालकीनीकडे परत जा, दासीने धनिनीशी वागले पाहिजे तसे तू तिच्याशी वाग। हा वापस उसको कितना अच्छा रीतीने स्वर्गदूतने समजाया, दासीने स्वामिनी के साथ कैसा रहना चाहिए उसको समझाया, वैसे ही तू रहना, कारण मी तुझ्यापासून एक मोठे राष्ट्र निर्माण करेन, तुझे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। होय तू गर्भवती आहेस, तू गर्भवती है आणि तुला एक पुत्र होईल, तुझे बेटा होगा, त्याचे नाव इश्माईल ठेवस, का नाम इश्माईल रखना, म्हणजे देव ऐकतो असे ठेव। हा परमेश्वर सुनता आहे उस नाव का अर्थ आहे, देवाने तुझी प्रार्थना ऐकली आहे, परमेश्वरने तेरी प्रार्थना सुनी आहे, तुझा हा पुत्र राम माडवा सारखा आडदांड होईल। हा वो इश्माईल कोणसी कैसा उसका स्वभाव कैसा बताया, पनीर गधे यानी जंगली गधे के जैसा रहेगा, है ना? आज अगर उनकी जाति का स्वभाव देखेगा तो वैसा ही स्वभाव है ना, जंगली गधा, पालियू गधा और जंगली गधे में बहुत स्वभाव में फर्क है, ये हमेशा याद रखो। आगे तो प्रत्येकाच्या विरुद्ध असेल, हाँ आज है सब राष्ट्र में जो लोग है उनके अगेंस्ट है ना, हम लोग इश्माइली जाति है, स्वर्गदूत ने पहले ही बताया वो प्रत्येक जन त्याच्या विरुद्ध होईल। हाँ हर एक जन उसके अगेंस्ट है, कोई होना चाहता है क्या इश्माइली जाति में, कोई जाना चाहता है तो ऐसा बोलता है। हाँ आणि तो आपल्या सर्व भाऊबंधांच्या देशाच्या पूर्वेकडील प्रदेशामध्ये वस्ती करून राहिले। तेव्हा हागारीने देवाला, तू वाहणारा देवायस असे नाव दिले आणि ती म्हणाली, मी प्रत्यक्ष देवाला पाहूनही हे सांगण्यासाठी जिवंत राहिली आहे। म्हणून जो आगे देखते उसने इश्माईल को जन्म दिया, इश्माईल को जन्म देने के बाद इश्माईल बड़ा हुआ, 13-14 साल का हुआ था उस समय इसहाक का जन्म हुआ, इसहाक का जैसे दूध छुड़ाने का समय आया 9 से, उत्पत्ति अध्याय की 9 से। परंतु अब्राहम आला, इजिप्त देशाची स्त्री हागारीच्या पासून झालेला पुत्र इसहाकाला चिडवीत असताना सारेने पाहिले, सारेने देखा अरे मेरे आज बड़े फंक्शन हो रहा है, इतना अच्छा फंक्शन हो रहा है, उसने ये इश्माईल मजाक उड़ाया है, मतलब हंसा, देखो अभी हम भी हंसते, लेकिन हम जब किसी का मजाक की तौर उड़ाना कर जब हंसी होता है तो वो मालूम पड़ता है ना, यानी माजे फटे ने हंसला ऐसा बोलते हैं ना, मैं इतना तो ज्ञान है हम सबको, वैसे ही उसने भी वैसे ही हंसी की थी। तेव्हा ती अब्राहमाला म्हणाली, या दासीला ने तिच्या पुत्राला घालवून द्या, तो काही माझ्या पुत्राबरोबर तुमच्या मालमत्तेचा वाटे करेल, तुमचा वारस होणार नाही। हाँ ये वो उसको तू निकाल दे और तेरे मालमत्ता और तेरा जो कुछ है उसमें उसका कोई भी हिस्सा नहीं है क्योंकि वो दासी का ही है। सारेच्या या मागणीमुळे अब्राहम फारच अस्वस्थ झाला, कारण काही झाले तरी इश्माईल त्याचाच पुत्र होता। तथापि देवाने अब्राहमाला सांगितले, तुझी गुलाम उपपत्नी आणि तिचा पुत्र पुन्हा तीच राहील। अब्राहम देवाने अब्राहमाला सांगितले, तुझी गुलाम उपपत्नी, हाँ यहाँ लिखा है तुझी गुलाम उपपत्नी, बायको नहीं बोलता, परमेश्वर ने उसको पत्नी बोला क्या? नहीं, हमारी हिंदी में क्या लिखा है मतलब अपनी दासी, क्या लिखा है अपनी दासी के कारण और उस लड़के के कारण, असल है तेरे लड़के के कारण नहीं लिखा, पर हिंदी में हमारे ऐसा लिखा है उस लड़के के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, है ना? तो परमेश्वर की नज़र में जो होती है ना वही होती है, दूसरा कोई नहीं होता, परमेश्वर जिसको चुनता है वो पत्नी बोलकर वही रहेगी। आगे तुझी गुलाम उपपत्नी आणि तिचा पुत्र यांची तू विशेष काळजी करू नकोस, सारेच्या म्हणण्यावर 14 सारे के म्हणणे अनुसार तू कर। 14 देवाने सांगितल्याप्रमाणे दुसऱ्या दिवशी अब्राहम सकाळी उठला, त्याने प्रवासासाठी भोजन तयार केले आणि हागाराच्या खांद्यावरती पाण्याची कातडी पिशवी अडकवली आणि तिची रवानगी केली आणि ती बेरशेबाच्या अरण्यात इकडे तिकडे भटकू लागली। हा वो अभिज्ञान हो गई उसकी हालत बेरशेबा के जंगल में ही, क्योंकि मरुभूमि ऐसा है ना जो अगर रास्ता मालूम नहीं है ना तो उधर ही गोल गोल घूमते रहेंगे, उधर ही क्या होते रहेगा गोल 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 ऐसा ना घूमते रहेंगे, ऐसा एक प्रॉब्लम है मरुभूमि का, मरुभूमि मुझे वायवंड है जिसको रेती रेती रेगिस्तान बोलते हैं, तो ऐसे इधर देखेगा तो ऐसा लगेगा समान है, इधर देखेगा समान है, इधर देखेगा समान है, इधर भी देखेगा समान, तो मैं जाऊँ किधर से रास्ता मालूम नहीं पड़ता है, ऐसे में वो भटक गई। फिर
जवळ से पाणी संपल्यावर तिने आपले मूल एका झुडपाखाली ठेवले. हा उसका बच्चा और वो पाणी के कारण तडपने लगे और जैसे उसका तो पाणी का जो थैली था वो खतम हो चुकी थी. आणि ती त्याच्यापासून सुमारे 100 मीटर अंतरावर दूर जाऊन बसते. दूर जाके कुछ किनारे पे जाकर थोड़ा सा दूर जाकर वो क्या हो गई उसे दूर हो गई. क्यों? माझ्या बाळाचा मृत्यू मला पाहावयाला नको आहे. मेरा बच्चा का मृत्यू मुझे देखना नहीं पड़े ऐसा बोलकर वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी. और जैसे देखो परमेश्वर ने उस रोनी की आवाज़ को सुना. परमेश्वर ने उस रोनी की आवाज़ को सुना. हमारा परमेश्वर हमारे चिल्लाहट को हमारी बातों को हमारे आंसुओं को सुनता है. अगर अपने आरोने का अपने आंसू ना आए तो परमेश्वर हमेशा सुन रहा है. देव नहीं है और इसीलिए यहाँ लिखा है कि वहाँ परमेश्वर ने उसको पुकारा है. हाजिरा तुझे क्या हुआ? अरे हाजिरा तुला काय झालं? मत डर घाबरू नका. परमेश्वर तुला सुन तुझे परमेश्वर ने तेरे सुन लिया है. देवा तुझा ऐकलं आहे. 18 वचन कोण त्याला जवळ घे त्याला गोंजावून त्याचे सांत्वन कर आणि त्याच्या वंशजांकडून मी एक मोठे राष्ट्र निर्माण करेन. मग देवाचे देवाने तिचे डोळे उघडले. हा अभी जहां उसने देखा था किधर भी रस्ता नहीं है किधर भी कुछ पानी नहीं है किधर भी कुछ सामग्री नहीं कहीं से भी बाहर निकल नहीं सकते. चारों बाजू में मरुभूमि में वो और उसका बच्चा अटके हुए हैं. अब उसकी परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी. आणि तिला एक विहीर दिसली और उसे वहीं पर एक ऐसा झरना एक ऐसा कुआ ऐसा वहां उसके सामने खड़ा हुआ. तेव्हा तिने पुन्हा आपले पाण्याचे मशके भरून घेतले आणि त्या मुलासही पाणी पाजले. आपण समजा ये हमारा परमेश्वर. हमारा परमेश्वर इतना महान आहे ना. देव इतका महान आहे की भले मनुष्याने कितने भी पाप केले आणि माणसाने किती पाप केले असते जीवन में कुछ भी हुआ त्यांच्या जीवनात काही झालं असेल जेव्हा परमेश्वर के सामने पुकारते पण जेव्हा ते देवासमोर आग्रह मानतात परमेश्वर उनकी आवाज को सुन लेता है. तेव्हा देव त्यांच्या आवाजाला ऐकतो. वो जीवन जल देता त्यांना जीवन जल देतो. जल जीवन का जल आणि जल जीवनाचे जल होता. हाजिरा उसका बेटा जिंदा राहा आणि त्याच्यामुळे हाजिरा तिचा मुलगा जिवंत राहिला. आज भी वो वेल है आणि आजही ती आज भी वो कुआ है जो कुआ उसके आंखों के सामने परमेश्वर ने बनाया था. आणि जी ही देवाने तिच्या डोळ्यासमोर बनवली होती. इसीलिए वही कुए के पास लोग बहुत से जन जाते हैं आणि त्याच विहिरीकडे खूप सारे लोक जातात. एक कुआ है यहाँ पर सऊदी मध्ये मालूम हुआ. तो इसीलिए प्रियो परमेश्वर के वचन के अनुसार आप सुन समझ सकते हो कि जब कोई स्त्री को जब छोड़ा जाता है और जो उसे स्त्री सोड़ा जाता है बच्चों को छोड़ा जाता है जब मुलाना सोड़ने देते या फिर वो विधवा हो जाती है विधवा होते हैं बच्चे और वो एक अनाथ हो जाते हैं आणि तिचे मुलं अनाथ होतात. भले उनके जीवन में उन्होंने जीवन कैसा भी बिताया भले त्यांचं जीवन कसंही व्यतीत केलं अभि हाजिरा का जीवन देखेगा गया तो वो दासी का था आणि हाजिराचं जीवन पाहिलं तर ते दासीचं होतं. लेकिन परमेश्वर की वो कुछ भी हो तो उत्पत्ति थी ना. आणि देवाचं काही झालं तर ती उत्पत्ति होती. इसलिए परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देखकर म्हणून देवाने त्यांचे अश्रू पाहून परमेश्वर ने उसके लिए उपाय आणि अंतिशासनी प्रबंध केले. जहां मार्ग नहीं वही मार्ग जे मार्ग नहीं ते मार्ग काढले. इसलिए प्रियो हमेशा याद रखना जब छोड़ी हुई स्त्रिया या विधवा ऐसी स्त्रिया रहती है ना उनको परमेश्वर क्या करता है वहाँ उनके लिए एक ऐसा कुआ दे देता है एक ऐसा मार्ग बनाता है जो कभी भी कोई सोच नहीं सकता है कि चमत्कार है. ये देखा गया तो एक अद्भुत चमत्कार आज पाहण्यात आला. हा एक अद्भुत चमत्कार आहे है ना. ये देखा गया तो अद्भुत चमत्कार है. पाहण्यात आला अद्भुत चमत्कार. हाजिरा स्वर्गदूत को देखना आणि हाजिराने देवदूत पाहिला और स्वर्गदूत के द्वारा सुनना आणि देवदूतांचं ऐकणं और उसके बाद नंतर यहाँ एक अद्भुत रीति से कुआ होना आणि ते अद्भुत रीतीने विहीर वहाँ कुआ था क्या विहीर होता का तिथे. लेकिन परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया ना. देवाने एक अद्भुत काम किया. क्या देखा था? परमेश्वर जो अद्भुत काम करता है वही काम यीशु मसीह भी करते हैं. आणि जे अद्भुत काम देव करतो तेच काम यीशु ख्रिस्त पण करतो. सही बात है. आपने यहाँ देखा कि परमेश्वर ने एक अद्भुत काम जो सोचने के लिए यानी अचंबा करने वाला काम था वो कौन सा काम था कि जहाँ कुछ नहीं था ऐसे मरुभूमि में एक कुआ बहा. आणि जिथे काही नव्हतं तिथे त्या वाळवंटामध्ये विहीर उत्पन्न होणार. मृत्यू वहा ती मृत्यू तिथे होती वहा जीवन का क्षर यांनी जीवन आले आणि तिथे जीवन आलं. हे परमेश्वर का अद्भुत काम आणि हे आहे देवाचं अद्भुत काम. या यहोना में पढ़ा था यापण यहोना तो वाचलं. परमेश्वर कोण सा काम करता है कोणतं काम करतो अचंब करणे वाला काम. तो हे अचंब ही करणे वाला काम हे आश्चर्यचकित करणारं काम आहे. ती जहा कुछ भी नाही आज सोचले त्याचं काय एक विहीर काढली आणि पण ती विहीर पाण्याने भरलेली ते आजही आहे. अरे आज मी हे ती भरलेली पाण्याने भरलेली विहीर पाणी से भरलेली आहे. तिच्याकडे पाणी काढायला काही नव्हतं. अरे बस पाणी निघाली कुछ भी नाही. जो कंधे पर लगाई हुई जो मशका था वो मशका उसने डुबा के निकाला. आणि जी थैली खांदे लावली होती ते कुठून तिने काढलं. तो वेल में किनार पाणी होतं. म्हणजे पाणी किती असेल है ना.
समझा, परंतु इसीलिए ये है चमत्कार। ये चमत्कार इसलिए प्रियो परमेश्वर है ना ऐसी स्त्रियों के लिए स्त्रियों चमत्कार करता है। चमत्कार करते पढ़ेंगे हम यशया 54 यशया 54 यशया 54 यशया 54 और उसका 4 कैसे 4 परमेश्वर उन स्त्रियों से जो कहता है डर मत, जिनको छोड़ा है, जिनका पति मर गया है, जिनको नाम धराई हो रही है, या उन पुरुषों को जिनको संसार ने छोड़ दिया है, प्यार नहीं मिल रहा है, उनकी पत्नी उनको छोड़ के गई, उनका जीवन खराब हो गया, ऐसे को परमेश्वर कहता है मत डर। तुझ्या तरुणपणातील अप्रतिष्ठा आणि वैधव्यातील दुःख याची आता आठवणही राहणार नाही। हा तेरे जवानी के तारुण्यपणातील अप्रतिष्ठा, हा प्रतिष्ठा म्हणजे तेरे जीवन में जवानी के दिनों में तुम्ही जो कुछ किया वो सब तू भूल जाएगी, और वैधव्यातील दुःखे और तेरे विधवापन आने के कारण जो दुःख होता है वो भी तू क्या हो जाएगी परमेश्वर में भूल जाएगी। कारण तुझा निर्माण करता तुझा पति हुए सेनानी देव हे त्याचे नाव आहे। परमेश्वर तेरा पति बनेगा और वो तुझे हमेशा छुड़ाएगा। तो तुझा उद्धार करता इस्रायलचा पवित्र यहोवा सर्व पृथ्वीचा देव आहे। हा वो सारी पृथ्वी का परमेश्वर आहे। कारण टाकून दिलेल्या तरुण पत्नीला तिच्या पतीने पुन्हा बोलवावे असे देवाने तुला तुझ्या दुःखातून माघारी बोलवले आहे। आमेन। पाचवं वचन हेच आहे की परमेश्वर जिन जिन स्त्रियों को पुन्हा दिसल्या कारण टाकून दिलेल्या म्हणजे छोडी हुई निकाली हुई तरुण पत्नीला तरुण पत्नी को जवान पत्नी क्या कर सकती है अगर उसको छोड़ दिया तो कौन उसका सहारा बन सकता है, कौन उसको लेगा, कौन उसको संभालेगा? माँ बाप पुत्र संभालेंगे, भाई लोग संभालेंगे, शादी हो जाती तो वो लोग अपनी बीवी का सुनते हैं। ऐसी स्त्रियों का तिच्या पतीने पुन्हा बोलवले पती वापस बुलाए हे काम कर सकता है परमेश्वर। अर्मिनाला मुली अच्छा दृष्टी तिला सोडलेल्या अजून तिथे बायका त्या सगळ्या इथे पाहिजे होते कारण संगीताला हेच मी बोलले आम्ही परमेश्वर ते तर महान कन्फर्मेशन करायला मुझे थोडी मानता उन्होंने कल ये वचन दिए मुझे सिर्फ उन्होंने ये बोला था सिखाने वाले तेरे बच्चे सिखलाने वाले हो गए इतना ही बोल नहीं तो तेरे से बोले थे ना हाँ कल का मुझे नहीं इतना मालूम परमेश्वर बताता है कल उनके मुँह से कन्फर्मेशन दिया आज मेरे मुँह जबकि मैंने ये तैयार नहीं किया था मैंने तैयार होने के मैंने सिर्फ इतना ही किया था कि परमेश्वर ने हाजिरा के लिए कैसा कुआ बनाया देवा ने हाजिरा सभी कशी वीर बना चमत्कार है चमत्कार लेकिन परमेश्वर आज वही परमेश्वर हमारे बीच में चमत्कार करता है अद्भुत काम करता है। चाह माया ए त्यागा है कि जैसे परमेश्वर उन छोड़ी हुई स्त्रियों को उनका पति जवान पत्नी को क्या करेगा बोला भी लेके जाएगा उसको बुलाएगा तो आज वही प्रभु चमत्कार करेगा। आगे का हम बाद में पढ़ते हैं अभी का हम इतना प्रेयर करेंगे ठीक है तो मैं नाम देखते हैं ठीक है हम नाम लिखेंगे हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। कारण टाकून दिलेल्या तरुण पत्नीला तिच्या पतीने पुन्हा बोलवावे। आमेन। परमेश्वर पिता परमेश्वर अब्बा हम यीशु के नाम से आपके सामने आते हैं जैसे आपका वचन कहता है तरुण पत्नी को स्त्री को जब उसको छोड़ दिए हुए पति वापस उसे बुलाता है वैसे ही प्रभु आज हम प्रार्थना करते आज के लिए उपस्थिति में प्रभु मेघना और प्रभु माया के लिए प्रार्थना करते साथ साथ मेरे नाना पवित्र पिता लीना के लिए प्रार्थना करते शीतल के लिए करते रजनी के लिए करते संगीता के लिए करते कविता के लिए करते प्रभु दूसरी संगीता के लिए माया के लिए प्रभु पवित्र पिता मेघा का पति अतुल है लीना का पति रवि है शीतल का पति देवदास है रजनी का पति अभिजीत है संगीता का पति विजय है कविता का पति भालचंद्र है संगीता का पति दशरथ है और माया का पति अखिल है प्रभु पवित्र पिता ये सब इन्हें लेकर जाने के लिए सहायक है कि वापस अपने पति के साथ नहीं ले सकता और उसके लिए कर सकता है। आपने कहा मेरा पिता अब भी काम करता है और भला काम करता है और अचंभित करने वाला काम करता है सच जो देखा
देखा गया ना, हमारे लिए तो ये सच देखा गया तो अचंभ काम है कि प्रभु तू इनको अपने पति के साथ पवित्र विधान भेज देना, उनके पति के साथ ये मिलकर जबड़े हुए उसे तोड़ देते और मेघा के लिए प्यार उत्पन्न करा दे। रवि के अंदर प्रभु जो बंधन जबड़े हुए वो सारे बंधन तोड़ देते और मीना के लिए प्यार उत्पन्न होने के लिए प्रार्थना करे। प्रभु देवदास के अंदर जो भी बंधन है प्रभु जो अपनी पत्नी के पास आने के लिए वो तोड़ देते हैं और उसके अंदर अपनी पत्नी शीतल के लिए बहुत प्यार उत्पन्न करते हैं। अभिजीत के लिए प्रभु मेरे मन को इंद्र पिता जो भी बंधन है अपनी पत्नी के पास आने के लिए रोक ले वो सारे बंधन तोड़ देते उसको मुक्त करते और उसके अंदर अपनी पत्नी रजनी के लिए बहुत प्यार उत्पन्न करते हैं। प्रभु विजय के लिए प्रभु विजय भी जिस बंधनों में जकड़ा है और सारे बंधन तोड़ देते और संगीता के लिए बहुत प्यार उत्पन्न करा दे। प्रभु भाईचंद्र के लिए प्रभु पवित्र पिता जो बंधनों में वो झगड़ा हुआ है वो सारे यीशु के नाम से तोड़ देते और उसकी पत्नी प्रभु कविता के लिए प्रभु प्रेम उत्पन्न होने के लिए प्रार्थना करते और प्रेम बहुत प्रेम आने के लिए प्रार्थना करते। वैसे दशरथ के भी सारे बंधन तोड़ते हैं प्रभु और प्रभु अपनी पत्नी संगीता के लिए प्रेम उत्पन्न कराते और अखिल के लिए भी प्रभु जो बंधनों में वो झगड़ा हुआ है वो सारे बंधन तोड़ते हैं और मेरे महान पवित्र पिता माया के लिए उसके अंदर बहुत प्यार है। धन्यवाद देते हैं हम सारी कलीसिया मिलकर इस वचनों को इन मेरी दोनों बेटियों को प्रभु पवित्र पिता इनके ऊपर रख कर इन्हें आशीषित कर और इनके जीवन में ऐसा ही हो। आज से अभी इसी घड़ी से अपने काम चालू कर दिया है। धन्यवाद देते मेरे मां के धन्यवाद मेरे राजा मेरे मां को धन्यवाद देते धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम आमीन। परमेश्वर कहता है तुम्हारे जीवन में जो दुख है उस दुख से परमेश्वर ने वापस तुम्हें सुख में बुलाया है। उसका अर्थ हो गया मालूम हुआ केवल शनभर में तुझा त्याग केला होता पण आता मोठ्या करुणेने मी तुला जवळ घेईन। क्षणिक रागाच्या भरात मी थोडा वेळ माझे तोंड तुझ्यापासून फिरवले होते परंतु आता सर्व काळाच्या प्रीतीने मी तुझ्यावर करुणा करेन असे तुझा उद्धारक प्रभुदेव म्हणतो आमेन। परमेश्वर हमेशा उसकी करुणा हम पर रखेगा। ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि वो हम पर करुणा रखता है और छोड़ी हुई स्त्रियों को विधवाओं को वो कभी भी लचित अपचित होने नहीं देता। ये सबसे बड़ा चमत्कार है इसलिए सारी विधवा और छोड़ी हुई स्त्रियों का रक्षक ढाल कवच बनकर परमेश्वर उनके बाजू में रहता है। ये चमत्कार नहीं ये बड़ा काम नहीं है कि परमेश्वर उनके संग रहता है जो बरोबर रहता हूँ उनको लाचारी में जाने नहीं देता। लाचार पाना चाहो नहीं रहने किसी के सामने निर्बल और एकदम दुखी होकर अपने शरीर को बेचना पड़ रहा है ऐसी परिस्थिति उन्हें नहीं देता। ऐसा तो निर्बल रहना शुभ शरीर विकास रखता है ऐसा कठिन परिस्थिति वो नहीं देता। परमेश्वर बाजू में लेकर देव बाजू रहना जो सोबत रहता हूँ ये सबसे बड़ा काम हाँ सर क्या कौन सा काम है आपके सामने प्रभु आए हुए सभी बच्चों को प्रभु पवित्र पिता आपके आंखों में पुतली के समान सौभाग्य धन्यवाद देते रक्षा करना सुखी लेना दया रखना धन मान सम्मान से दीर्घायु से पूर्ण करना सदानंदित रहने के लिए सहायता करना इनको स्वस्थ रखना सदा तुझ में मगन रहने के लिए मदद करना इन्हें आशीषित करना और इन्हें लगने वाली सारी जरूरतों को पूरा करना। धन्यवाद देते तो इनकी ढाल को इनको कवच धन्यवाद देते इन सबको प्रभु यीशु के लहू से कवर प्रभु यीशु के नाम।